हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। यहां जो पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं एंड इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है डीसी परिपथ में और केवल एसी परिपथ में, एसी एवं डीसी दोनों परिपथ में या फिर एकीकृत परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, कहां प्रयोग में आते हैं यह प्रश्न दोस्तों है। और इसका जो आंसर है, यह आंसर क्या है कि केवल एसी में या फिर केवल डीसी में या एसी और डीसी दोनों में या फिर एकीकृत परिपथ में आते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को स्टेप अप से स्टेप डाउन और स्टेप डाउन से स्टेप अप पर लाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता दोस्तों ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे इसके खोजकर्ता है, इस बात को ध्यान रखिए। और यह एकीकृत एक ऐसी युक्ति है जो बोल्ट को उच्च स्तर से निम्न स्तर और निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करती है। तो आइए देखते हैं कि परीक्षाओं में ट्रांसफार्मर से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और इसकी जब मैं व्याख्या करूंगा तो व्याख्या में इसका आंसर आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सो ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहली बात जानकारी आप लोग ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम है परिणामित्र, यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में परिणामित्र। तो इसको हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। अगर इसके आगे बात करें तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की खोज किसने की है, अगर आपसे मैं खोज की बात करता हूं तो माइकल फैराडे, यानी कि माइकल फैराडे ने क्या किया है, ट्रांसफार्मर की खोज की है। और अगर इसके बाद बात करें इसके बाद बनने वाले प्रश्नों पर, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस थ्योरी पर वर्क करता है। तो ध्यान देना, अगर हम ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की बात करें कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों इसमें दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरण, यानी इसमें दो होता है, एक होता है अन्योन्य प्रेरण जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और एक होता है स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। तो कभी कभी परीक्षाओं में जो ऑप्शन बनते हैं वो ऑप्शन कैसे बनते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और कभी कभी परीक्षाओं में ऑप्शंस अन्योन्य प्रेरण या केवल स्वप्रेरण से बन जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर इन दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। यदि हम इसके बारे में और बात करें तो यह वोल्टता को, यानी जो वोल्ट होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर, यानी स्टेप अप टू स्टेप डाउन,
हुआ निम्न स्तर से उच्च स्तर, उच्च स्तर पर ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि ये वोल्ट को, धारा को स्टेप अप टू स्टेप डाउन करता है और स्टेप डाउन टू स्टेप अप करता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसकी विशेष बात एक और है कि यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह कभी भी वोल्ट को बढ़ाता नहीं है, यानी यह शक्ति या आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है वोल्ट की, अगर बात करें वोल्ट की फ्रीक्वेंसी की, तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ज। तो इसका कार्य होता है, यह जो है ट्रांसफार्मर की जो शक्ति होती है यह शक्ति या आवृत्ति को ना तो घटाता है और ना ही बढ़ाता है, यह इसका कार्य नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं कि एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, अगर बहुत उच्च क्वालिटी का, बहुत हाई क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है तो उसकी इफिशियंसी क्या हो सकती है, अगर आपसे यह बात की जाए अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता, अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हो सकती है, यह हो सकती है 95 से 99%। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम कैसे मापते हैं, यानी इस ट्रांसफार्मर की अगर दक्षता को मापेंगे तो हम ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को किस मात्रक से माप सकते हैं, हमारा प्रश्न यह है। तो ध्यान देना, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी किलो वोल्ट एम्पियर, अगर हम बात करें इसके एफिशिएंसी की, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे मापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम किलो वोल्ट एम्पियर में माप सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें हम इसमें आगे और आने वाले पॉइंट्स की, तो ध्यान रखिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस पदार्थ की बनती है, किस तत्व की बनती है, या ट्रांसफार्मर में जो उसका क्रोड होता है बीच वाला, वो क्रोड भाग किस एलिमेंट का बना होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया है। अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, या यदि बात करें ट्रांसफार्मर की के क्रोड की, तो ट्रांसफार्मर अगर बात करें इसके वाइंडिंग की, तो वाइंडिंग होती है तांबे की, यानी कॉपर की, ये कॉपर वाइंडेड होता है। और यदि बात करें क्रोड की, इसका कोर कैसे बनता है, तो कोर होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सेमी का मतलब होता है ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कम तापमान पर भी, ऐसे पदार्थ जो कम तापमान पर भी क्या होते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे चालक है ना, जो सामान्य रूप से अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, परंतु यदि हम उसका तापमान बढ़ा दें या उसमें कुछ अशुद्धि मिला दें तो ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। यानी ये सामान्य अवस्थाओं में ये सिलिकॉन क्या है, ये अचालक होता है, परंतु अगर तापमान बढ़ा देंगे तो चालक की भांति व्यवहार करता है। तो जी हाँ दोस्तों,
जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो सिलिकॉन का ही बना होता है और उसकी कंप्लीट जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग कैसे बनती है, कॉपर यानी कि तांबे की। सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि ट्रांसफार्मर सदैव एसी पर कार्य करता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट क्या है, यानी कि देखिए प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऐसी धारा जिसका प्रवाह रुक रुक कर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट, या इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो ट्रांसफार्मर सदैव एसी पर कार्य करता है। क्या हो अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दें, अगर हम ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट दे दें, डीसी सप्लाई देंगे तो क्या हो सकता है, अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी, यानी कि इसमें कभी भी डीसी करंट की सप्लाई हम नहीं देते हैं। अगर इसमें डीसी करंट की सप्लाई दी जाएगी तो इसका जो उसकी वाइंडिंग होगी ये जल जाएगी और ट्रांसफार्मर कार्य करना बंद कर देगा, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब ये डीसी क्या है तो ध्यान देना आप लोग दोस्तों, दिश धारा इसको कहते हैं, डायरेक्ट करंट, ऐसी धारा जिसका प्रवाह एक दिशा में होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। और प्रश्न बनता है कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि डीसी टू एसी, डीसी टू एसी, तो हम कह सकते हैं इन्वर्टर और एसी टू डीसी ये होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का सामान्य रूप से प्रयोग होता है एडाप्टर में, यानी कि हम कह सकते हैं चार्जर में होता है, मोबाइल चार्जर हो गया, इन सब में क्या होता है, रेक्टिफायर ही लगा होता है जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट में चेंज कर देता है, यानी एसी को डीसी में चेंज करता है। तो अभी इस व्याख्या के साथ आपको आपके प्रश्न का जो आंसर था वो प्राप्त हो चुका होगा दोस्तों। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसके राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है। अब अगर हम व्याख्या से देखें तो देखिए इसमें जो राइट आंसर बनेगा इसका वो क्या बनेगा, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में या फिर केवल एसी परिपथ में या दोनों में, एसी और डीसी दोनों में, या फिर क्या है एकीकृत परिपथ में। तो अभी आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा केवल अल्टरनेटिव में, यानी केवल ये केवल एसी परिपथ में ही कार्य करता है, डीसी में कार्य नहीं करता। यदि हम ट्रांसफार्मर में डीसी करंट की सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इस प्रश्न के अनुसार आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न लगातार बनता है ट्रांसफार्मर से। और अब देखेंगे हमारा अगला प्रश्न कौन सा है और अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, या रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं। ठीक, रक्त में अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे। जो हमारा पहला ऑप्शन है यूरियोटीलिया या फिर यूरिकोटीलिया या यूरेनिया या फिर यूरोक्रोम, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यूरोटीलिया या फिर यूरिकोटीलिया दोस्तों, यूरिमिया या यूरोक्रोम, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए हम पढ़ते हैं कि हमारा जो गुर्दा होता है वो कैसे कार्य करता है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारी किडनी होती है या जो उत्सर्जन तंत्र होता है, जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे तीन तरह से कार्य करते हैं। अगर बात करें हम किडनी की तो किडनी क्या होता है, किडनी तीन तरह से कार्य करता है। एक होता है, एक उत्सर्जन होता है अमोनियोटेलिक
और एक होता है यूरियोटेलिक और एक होता है यूरिकोटेलिक। तो तीन प्रकार का उत्सर्जन होता है जीवधारियों में किडनी के द्वारा। अगर हम इन उत्सर्जन की बात करें, अगर हम इस उत्सर्जन की बात करें, एक्सक्रिएशन की बात करें, तो यहां जो पहला उत्सर्जन है, यहां जो पहला उत्सर्जन लिखा गया है अमोनियोटेलिक, इसका मतलब यह है इसमें कौन सी क्या होता है, इसमें अमोनिया होता है। अगर हम बात करें यूरियोटेलिक की, इसमें क्या होता है, यूरिया होता है। यदि यही हम बात करें यूरिकोटेलिक की, तो यहां क्या होता है, यहां यूरिक अम्ल होता है। यानी कि कुछ जीवधारी ऐसे हैं जिनमें उत्सर्जन अमोनियोटेलिक के रूप में होता है, कुछ में यूरियोटेलिक के रूप में होता है और कुछ में यूरिकोटेलिक के रूप में होता है। तो ध्यान देना, जो अमोनियोटेलिक होता है यह सबसे विषैला होता है और इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। और अगर बात की जाए यह होता किसमें है, तो दोस्तों यह होता है जलीय जीवों में। यानी ये वाला जो उत्सर्जन है अमोनियोटेलिक, ये जलीय जीव में होता है। अगर हम बात करें यूरियोटेलिक में, तो ये किसमें होता है, मनुष्य या फिर गाय भैंस शेर हिरन इन सब में होता है। और अगर बात करें हम यूरिकोटेलिक की, तो प्राय किसमें होता है, मरुस्थली जीव में होता है, मरुस्थली जीव में होता है। तो हम कह सकते हैं छिपकली हो गई, छिपकली में भी क्या होता है, यूरिकोटेलिक ही होता है। तो उत्सर्जन तीन तरह से होता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से, तो जाहिर सी बात है उसमें यूरिया की मात्रा कहां बढ़ेगी, मनुष्य में। अगर हम बात करें कि यूरिया की मात्रा होती कितनी है, तो 30 मिलीग्राम यूरिया होता है प्रति 100 ml रक्त में। और अगर मूत्र की बात करूं तो 2 मिलीग्राम यूरिया होता है प्रति 100 ml मूत्र में। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य यानी कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, हीमेटूरिया और यूरेमिया, दो समस्याएं होती हैं। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है। अब जो हमारे ऑप्शन में पॉइंट दिया गया है, यह पॉइंट हमारा है यूरियोटीलिया या यूरिकोटीलिया या यूरेमिया या यूरोक्रोम। इस ऑप्शन के हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा इन सभी उत्तरों के हिसाब से, तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, या होना चाहिए आपका यूरेमिया। अगर हम यूरेमिया की बात करें तो देखिए यूरेमिया ऐसा रोग है जिसमें मूत्र त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। या क्या होता है कि यूरेमिया में कभी कभी रक्त के साथ क्या होता है, मूत्र के साथ रक्त निकल जाता है, यानी कि यूरिन में ब्लड निकल जाता है, तो इसको हम कहते हैं यूरेमिया। और एक ऐसा रोग और भी होता है जिसका नाम क्या है, हीमेटूरिया। जब नेफ्रान में स्वेलोइंग होती है तो सीधा क्या होता है, जो ब्लड होता है सीधा छन करके, जो ब्लड होता है वो सीधा क्या छन के सीधा हमारे मूत्र में आता है। लेकिन यहां प्रश्न वो नहीं है, यहां प्रश्न क्या है कि यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं। दोस्तों ध्यान देना आप लोग, अगर यूरिया की मात्रा बढ़ती है रक्त में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूरेमिया कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने, आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र क्या होता है। और जी हां, यह क्वेश्चन केमिस्ट्री से है और यह पूछ रहा है कि आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र क्या होता है। यह पॉइंट हमको जानना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हमारा FeS2 और दूसरा ऑप्शन हमारा Fe2O3
और हमारा तीसरा ऑप्शन है Fe3O4, और दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है FeCO3, यानी कि बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, और देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आयरन के बारे में। दोस्तों आयरन यानी कि लोहा यानी कि Fe, इसको हम कहते हैं आयरन यानी कि फेरस यानी कि Fe, दोस्तों आप जानते रहिए जो आयरन होता है यह हमारे पृथ्वी पर लगभग 30% मात्रा में पाया जाता है, और अगर मनुष्य के अंदर आयरन का अभाव हो गया तो हीमोफीलिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह आयरन के अभाव में ही होता है, और हमारे भूपरपटी पर लगभग 30% की मात्रा, हमारे पृथ्वी पर लगभग 30% की मात्रा में जो है ये फेरस पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं फेरस की, तो इसके और क्या क्या है, इसके मुख्य ऐस क्या क्या है, इसके मुख्य ऐस क्या क्या दोस्तों है, यहां से प्रश्न बनता है मोस्ट इंपोर्टेंटली। तो देखते हैं यहां से कौन सा प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, जो प्रश्न पूछ रहा है पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं। अभी देखिए जब प्रश्न हम लोग समझ जाएंगे तो इसके आंसर अपने आप जो है दे पाओगे। तो अगर मैं बात करूं आयरन के और की, तो देखिए केवल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस केवल एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। वो पॉइंट क्या है कि हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा। तो हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा, अब समझेंगे है क्या, ये मैंने क्या लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, पहले क्या है हेमा है, तो हेमा से क्या होता है हेमेटाइट, क्या होता है दोस्तों हेमेटाइट। तो हेमेटाइट ये भी क्या है, लोहे का मुख्य अयस्क है, आयरन का मुख्य अयस्क है, और से, तो से क्या होता है सेडेराइट, से हो जाएगा सेडेराइट, और फिर मैंने, तो मैंने से क्या हो जाएगा, मैंने से मैग्नेटाइट, हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा, मैंने से मैग्नेटाइट, और वही फिर लिखा गया है झूठा सोना। तो देखिए जब लोहा सल्फर से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये लगभग पीले रंग का यौगिक का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड कहते हैं दोस्तों, तो आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। तो यहां जो प्रश्न हमारा है वो क्या है इसको हमें समझना है, और इसका एक और होता है, इसका एक मुख्य एस्क और होता है, उसका नाम क्या है कैल्कुपाइराइट, कैल्कुपाइराइट। यहां हम बात कर रहे हैं मुख्य एस्क की, यानी कि लोहे के मुख्य एस्क का सूत्र क्या है, तो पहले दिया गया है हेमेटाइट, ये दोस्तों होता है आपका Fe2O3, दोस्तों उसके बाद होता है इसका Fe2O4, फिर Fe3O4, उसके बाद FeS2, उसके बाद CuFeS2। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हेमेटाइट तो Fe2O3, सेडेराइट Fe2O4, मैग्नेटाइट Fe3O4, और झूठा सोना तो आयरन पाइराइट Fe S2, एंड कैल्कुपाइराइट तो दोस्तों Cu Fe S2। देखिए यहां जो आयरन पाइराइट है इसको हम बोलते हैं झूठा सोना। देखिए काला सोना क्या होता है कोयला, सफेद सोना प्लैटिनम, और झूठा सोना तो आयरन पाइराइट।
एक होता है रोल्ड गोल्ड, सोने की फोटो कॉपी, रोल्ड गोल्ड जिसमें एल्युमिनियम और कापर मिला होता है तो उसको कहते हैं रोल्ड गोल्ड। ठीक, देखिए तो सफेद सोना प्लेटिनम, काला सोना क्या होता है, ये होता है आपका कोयला, काला शीशा क्या होता है ग्रेफाइट, झूठा सोना आयरन पायराइट, और दोस्तों सोने की कॉपी क्या होती है रोल्ड गोल्ड, एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर के बनी होती है। तो अगर मैं बात करूं यहां से आने वाले प्रश्न की, जो प्रश्न हमारा पूछा गया है बिल्कुल यही, देखिए आप इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र क्या है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि हेमा से मैंने झूठा सोना मांगा, जी हाँ। अब देखिए क्या लग रहा है इसमें क्या सही होगा, दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा हेमा से मैंने, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3। ये क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट से, कि दोस्तों Fe2O3 इसका राइट आंसर होगा। अगर देखिए इसको तो ये क्या हो जाएगा, यह Fe2 तो आयरन पाइराइट है और Fe3O4 तो अभी आपने देखा मैग्नेटाइट होता है, और FeCO दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है फेरस कार्बोनेट। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आपको आसानी से मिल चुका है। यदि हम आगे बढ़े तो आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि 373 केल्विन किसके बराबर होता है। तो आपके ऑप्शन किस प्रकार से हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस। यानी केल्विन को इक्वल करना है, यानी 373 केल्विन बराबर कितना होता है। बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत सुलझा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न से हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको कुछ और पॉइंट्स भी नए प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं कि हमें इस प्रश्न से क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस प्रश्न से सीखने की बात करूं तो देखिए तापमान, तापमान जो तापमापी होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जो तापमापी होते हैं कई प्रकार के होते हैं, वैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टेम्परेचर। तो तापमान क्या होता है, किसी वस्तु के उष्णता और शीतलता की माप को हम तापमान यानी कि टेम्परेचर कहते हैं। किसी वस्तु की शीतलता एवं उष्णता की माप को हम क्या कहते हैं, तापमान यानी कि टेम्परेचर कहते हैं। आइए देखते हैं कि टेम्परेचर में कैसे इक्वल होता है। तो अगर मैं आपसे तापमान की बात करूं तो दोस्तों होता क्या है, चलिए हमने यहां पर कर दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस, या दोस्तों हमने यहां पे कर दिया डिग्री फारेनहाइट, और उसके बाद र्यूमर भी एक पैमाना होता है, र्यूमर तापमान को मापने का, और एक होता है दोस्तों केल्विन। ये कुल मिलाकर के तापमान को मापने के लिए चार पैमाने का प्रयोग होता है। अगर मैं इन चारों पैमानों की बात करूं तो दोस्तों इन सब का अपना अपना महत्व है। आइए देखते हैं कि हम अपने परीक्षा में, हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में किस प्रकार से इसको उपयोगी बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आपके सामने इतने सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, अब यहां देखना हम कैसे इसको उपयोगी बनाएंगे, मैंने आपसे यही कहा है। तो देखिए सभी लोग, बहुत आसान तरीका इसको जानने का, यदि फ्रेंड्स मैं इसके आगे बात करूं तो देखिए यहां पर दो पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे। एक होगा फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं हिमांक कितने पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और दोस्तों एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और यहां जानेंगे हम कि डिफरेंट क्या है, ठीक है, या कितने बॉक्स होते हैं इनमें। तो अगर मैं बात करूं सेल्सियस की, सो फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है पानी, हम यहां जल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग यानी कि हिमांक, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉइलिंग होता है। और यदि बात करें फॉरेनहाइट की तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट
पर क्या होता है हिमांक। इस प्रकार से ये 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फारेनहाइट दोनों क्या हुए, दोनों बराबर हो गए। और यदि हम आगे देखें तो 212 डिग्री फारेनहाइट, इसका मतलब यह है कि यह 100 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके है, 212 डिग्री फारेनहाइट के। और इसमें जो अंतर आ रहा है 100 का आ रहा है और इसमें जो अंतर आ रहा है 180 का आ रहा है। यदि मैं इसमें आगे बात करूं तो र्यूमर दिया गया है, तो 0 र्यूमर पर क्या होता है, यह फ्रीजिंग होता है। और यही दोस्तों 80 र्यूमर पर क्या होता है, बॉइलिंग होता है। और इसमें डिफरेंट कितने होते हैं, 80 खाने इसमें होते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फारेनहाइट बराबर 0 र्यूमर के, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फारेनहाइट बराबर 80 र्यूमर के। और देखिए केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन क्या होता है, फ्रीजिंग। इसका मतलब ये सभी क्या हुए, सभी बराबर हो गए। उसके बाद बॉइलिंग कितना होता है, 373 केल्विन। इसमें डिफरेंट कितना होता है, ये 100 का होता है। इसमें डिफरेंट होगा किस कितना का, 100 का डिफरेंट होगा, यानी कि 100 का डिफरेंट होगा। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फारेनहाइट या 80 र्यूमर या 373 केल्विन। अब आपको अपने प्रश्न का आंसर यहीं से प्राप्त हो गया होगा। या दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फारेनहाइट बराबर 0 र्यूमर बराबर 273 केल्विन, यानी कि ये ऊपर वाला बराबर है और ये नीचे वाला भी क्या है, बराबर है। और ये सभी क्या है, इनमें जो अंतर आएगा वो यहां पर लिखा गया है, जो खाने इसमें बने होते हैं। और यदि मैं इसके अतिरिक्त आपसे बातें करूं, तो यदि इसके अतिरिक्त बातें की जाए तो तापमान में कुछ संबंध भी होता है, विभिन्न तापमापियों में क्या होता है, कुछ संबंध होता है। आइए हम देखते हैं तापमापियों में क्या संबंध है। तो दोस्तों तापमापियों का संबंध देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, C-0/100 ये बराबर होता है F-32/180, ये बराबर होता है R-0/80 और ये बराबर होता है K-273/100। यानी दोस्तों क्या होता है, तापमापियों का यही संबंध होता है। लेकिन देखिए सेल्सियस को केल्विन में चेंज जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, C/5 = F-32/9 इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर इसको हम अभी इन दोनों को भी हम डिवाइड करेंगे तो ये इतने ही प्राप्त होगा। तो अगर मैं बात करूं कुछ विशेष तापमापियों की, जैसे होता है ना कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं, तो ध्यान देना -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फारेनहाइट। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, -40 डिग्री फारेनहाइट के, ये इक्वल रहता है, ठीक है ना। और अगर मैं इसके आगे बात करूं तो देखिए 160 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट क्या होता है, इसका दोगुना होता है, तो 320 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो फारेनहाइट है वो सेल्सियस का दोगुना होता है। यदि हम बात करें यही शरीर के तापमान की, कि शरीर का तापमान कितना होता है, शरीर का ताप कितना होता है, अगर इसकी बात की जाए तो ध्यान देना आप लोग लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। तो दोस्तों तापमान हमारा ये होता है। लेकिन देखिए प्रश्न क्या बन रहा है कि अगर हमें तापमान चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सेल्सियस को केल्विन में करना है, केल्विन को सेल्सियस में करना है, तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या आ गया, प्रश्न आ गया कि 40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फारेनहाइट हो सकता है। अगर ऐसा प्रश्न आता, चूंकि देखिए परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न लगातार बनते रहते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ नहीं करना है, सेल्सियस कितना दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में निकालना है, यह करना आपको, कुछ नहीं करना। देखिए तो जितना फॉर्मूला है, देखिए यहां पर यह फॉर्मूला है,
इस पर रख दीजिए आप लोग, तो सी बटे कितना है दोस्तों, सी मतलब तापमान, तो तापमान क्या दिया गया है 40 दिया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस बटे कितना हो जाएगा सूत्र के अनुसार 5 हो जाएगा। बराबर की बात अगर हम करें तो एफ रीड कितना होगा, एफ रीड हो जाएगा 32 और बटे यहां कितना कर देंगे सूत्र के अनुसार 9 कर देंगे। अब देखिए अगर आपको इसे सवाल को लंबा करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, अगर जल्दी से लगाना है तो देख लीजिए अगर ये डिवाइड यहां होता है तुरंत इसको डिवाइड कर लीजिए, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो तुरंत इसको यहीं पर डिवाइड कर लीजिए, तो 5 × 5, 5 × 8 = 40 यानी यहां पर 8 आ गया है। अब क्या करना है, जब हम गुणा करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 8 कितना आ जाएगा 72, तो दोस्तों कितना हो गया ये 72 हो गया, 72 आ गया, 72। फिर अब देखिए दोस्तों यहां कितना है 32 हो जाएगा, तो जब हम F को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 72 प्लस हो जाएगा 32 और देखिए कितना हो जाएगा आपका ये 2, 2, 4 और 7, 3, 10 तो 110 डिग्री फारेनहाइट होता है 40 डिग्री सेल्सियस में। जी हां यही दोस्तों क्या है आपका आंसर है, तो आपके आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कि केल्विन को किस प्रकार से चेंज हम कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न आ गया, अगर क्वेश्चन ये आ गया कि 40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो देखिए जो सूत्र हमारा है एक आप इसको लेंगे और दूसरा क्या लेंगे इसको लेंगे, तो दिया गया है सूत्र के अनुसार 40 − 0/100 है बराबर, अब इसको लेंगे तो ये कितना है k − 273 / 100 है, अब हम इसको ले लेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहां पे जो 100 है 100 से क्या होगा डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 + 273, तो देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 × 7 = 11 और दोस्तों यह कितना होगा 3, तो 373 केल्विन आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम इसी प्रकार से बहुत आसानी से सवाल को हम हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो दोस्तों अगला प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि धातुओं के टुकड़े को टांका लगाने वाला मिश्रण होता है। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि एलॉय होता है, तो अगर मैं आपसे एलॉय की बात करूं तो एलॉय होता क्या है, मिश्रण क्या होता है। सो फ्रेंड्स इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के या दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने हुए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यहां पहला जो ऑप्शन है टांका पूछ रहा है, टांका मतलब सोल्डर पूछ रहा है कि सोल्डर बनाने में किसका प्रयोग होता है, टिन और जस्ते का, टिन और शीशे का, जस्ता और शीशे का या जस्ता और तांबे का। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहां पर धातुओं के टुकड़े को जो टांका लगाने के लिए इसमें किस प्रकार, किसका टांका जो लगता है वो कैसे बनता है, वो टिन और जस्ते का बनता है या फिर टिन और शीशे का बनता है या जस्ता और शीशे का बनता है या फिर जस्ता और तांबा का बनता है। तो प्रश्न तो आसान है लेकिन देखिए ये ऐसा प्रश्न है जो लगभग लगभग इस तरीके का प्रश्न बिल्कुल खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में दोस्तों संभावित है। अगर आप ऐसे क्लास चाहते हैं तो हमारी खंड शिक्षा अधिकारी की क्लासेस रनिंग पे हैं, रन कर रही हैं, और आपको क्या करना है अगर हमें ज्वाइन करना है तो नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, स्क्रॉलिंग नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, उस पर बीईओ एंट्री लिख करके आप व्हाट्सएप करेंगे तो काउंसलिंग टीम के थ्रू आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं इस प्रश्न पर कि दोस्तों यह प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इस प्रश्न को बताने के लिए मैं आपको एक घुमावदार तरीका बताऊंगा, तरीका जरूर थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा लेकिन अगर उसको आप याद कर लेंगे तो यहां से एक नंबर पक्का है। क्योंकि देखिए समस्या होती क्या है, ये आता तो 100% है और समस्या हमारे लिए यह उत्पन्न होती है इसको हम याद नहीं कर पाते। भाई पूछेगा
कि जर्मन सिल्वर कैसे बनती है, स्टील कैसे बनता है, मोनल कैसे बनता है, या दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको हम याद करें, इसको याद करने का तरीका क्या होता है। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना आपको, आपको बस मेरे साथ लगे जुड़े रहना है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पॉइंट्स बहुत आसानी से अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एलॉय की। अगर मैं एलॉय की बात करूं तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस दो तीन पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, उस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे एक होता है डच मेटल, डच, एक होता है मूर्ज मेटल, मूर्ज, एक होता है पीतल। तो डच मूर्ज पीतल, डच मूर्ज पीतल, डच मूर्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को, तो डच मूर्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जीतानी है, डच मूर्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जीतानी है, कांसा, कांसा टीता, स्टील लोका, लोका और टांका से सीटी बजवानी है। अभी तो आपको लग रहा क्या है ये, टांका से सीटी बजवानी है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि आखिर ये है क्या, मैं बता क्या रहा हूं आपको। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत मजा आएगी इसको समझने के बाद। तो डच, मेरे साथ बोलिए आप लोग, डच मूर्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जीतानी है। ये बोलिए मेरे साथ, डच मूर्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जीतानी है, कांसा टीता, स्टील लोका टांका से सीटी बजवानी है, कांसा टीता स्टील लोका टांका से सीटी बजवानी है। स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील लोकरनी तो ड्यूरॉल मीन को, ड्यूरॉल मीन को एल्कू मग्न, एल्कू मग्न एक स्थान का नाम है, एल्कू मग्न बुलवानी, बस केवल मान लीजिए बुलवानी है। देखिए आप सोचेंगे जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार याद हो गया तो राम बाण है ये। रोज मेटल, रोज मेटल बी सी टी बजाए तो, बी सी टी बजाए तो बजाए तो मोनेल ने लोहा तानी है, तो मोनेल लोहा तानी है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मजाक कर रहा हूं मैं, क्या है आखिर ये, कहां से ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बाहर चीज कुछ समझ नहीं आ रहा है, फालतू लिखा हुआ। नहीं, फालतू नहीं है, एलॉय ऐसा टॉपिक है जहां से किसी परीक्षा में जरूर प्रश्न आता है। और सबसे बड़ी बात, एलॉय हमको याद नहीं हो पाता,
तो ये एलॉय को याद करने के लिए रामबाण तरीका मैं आपको दे रहा हूं। देखिए बस बोलते रहिए मेरे साथ, एक बार रिवाइज करिए। डच मुर्ज पीतल जीता, जर्मन सिल्वर को जीतानी है, कांसा तीता स्टील लो का, टांका से सीटी बजवानी है, स्टेनलेस स्टील लो करनी, ड्यूरोल मीन को अल्कू मग्न बुलवानी है, रोज मेटल भी सीटी बजाए तो मोनेल ने लोहा तानी है। अब देखिए, अब इसको डिकोड कर ले जरा। लिखा गया है डच मुर्ज पीतल, फिर लिखा गया जीता। भैया जीता का मतलब क्या होता है? देखिए जीता का मतलब होता है, जीता का मतलब यहां हो जाएगा जिंक और तांबा। यहां क्या होगा? यहां होगा कि जिंक प्लस तांबा, यानी हम कह सकते हैं कि डच मेटल, मुर्ज मेटल और पीतल, ये तीनों कैसे बनते हैं? जिंक तांबा से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जिंक तांबा से बनते हैं। इनका रेशियो अलग अलग होता है, किसी का 40-60 का, किसी का 20-80 का, किसी का 30-70 का होता है। यानी कि किसी में 40 क्या होगा जिंक और 60 तांबा, किसी में 30 जिंक और 70 तांबा, किसी में 20% जिंक और 80% तांबा होगा। अब यहां लिखा गया है जर्मन सिल्वर को जितानी है दोस्तों, तो वही बात, इससे क्या हो जाएगा जिंक और फिर जितानी, ता से तांबा, क्या होगा ता से तास हो जाएगा तांबा, तांबा और नी से तो नी से निकिल। यानी जर्मन सिल्वर कैसे बनती है? जिंक तांबा निकिल से बनती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं होती, इस बात पे आप गौर करिएगा। अगर आगे देखें तो कासा तीता, तो भाई टी से क्या होगा? टीन होगा। क्या होगा? इससे टीन होगा। और ता से क्या होगा? ता से होगा तांबा। तो कासा तीता टीन प्लस तांबा से क्या बनता है? टीन और तांबा से बनता है कांसा। स्टील लो का, तो स्टील कैसे बनता है दोस्तों? लो से लोहा, का से कार्बन। कैसे बनता है स्टील? बनेगा लोहा और कार्बन से, लोहा प्लस कार्बन से। और टाका से, टाका से क्या करना है? टाका से सीटी बजवानी है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां होगा लोहा प्लस कार्बन, यहां होगा लोहा प्लस कार्बन। यदि आगे बात की जाए टांका से सीटी बजवानी है, तो भैया सी से हो गया सीसा और टी से हो गया टिन। तो सीसा और टिन से क्या बनता है? टांका बनता है। सीसा और टिन से क्या बनता है? टांका बनता है। 30-70 का रेशियो होता है, ठीक। 30 सीसा और 70 क्या होता है? टिन होता है। तो भैया टांका से सीटी बजवानी है, सी से सीसा और टी से टिन हो गया। स्टेनलेस स्टील लो करनी, अरे लो से लोहा, लो से क्या हो गया? लोहा प्लस कर से क्रोमियम और नी से निकिल। तो लोहा क्रोमियम और निकिल से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनती है। गौर करिए इस बात को। और ड्यूरालमीन को अल्कुमग्न बुलवानी है, तो ड्यूरालमीन जो मिश्र धातु कैसे बनती है? एल्यूमिनियम कापर मैग्नीशियम मैग्नीज, अल्कुमग्न एल्यूमिनियम कापर मैग्नीशियम मैग्नीज। और दोस्तों आगे बात करें तो रोज मेटल बी सीटी बजाए, बी से बिस्माथ क्या होता है? बिस्माथ। सी से सीसा और टी से टिन। तो बिस्मा सीसा टीन से क्या बनेगा? रोज मेटल। लोहा तानी है, तो लोहा, लोहा हो गया लोहा प्लस तांबा प्लस निकिल। तो भाई मोनल कैसे बना? मोनल बन गया लोहा तांबा और निकिल से। और यहां रोज मेटल कैसे बना? बिस्मा सीसा टीन से। तो डच मुर्ज पीतल जीता, जिंक और तांबा से तीनों बनते हैं। जर्मन सिल्वर को जितानी है, तो जिंक तांबा निकिल से जर्मन सिल्वर बनती है। कांसा तीता टिन प्लस तांबा से क्या बनता है? कांसा बनता है। स्टील लो का, लोहा और कार्बन से क्या बनता है? स्टील बनता है। फिर टांका से सीटी बजवा दो भाई,
तो टाका से सीटी बजवानी है, सीसा प्लस टिन से टाका हो जाता है। और देखो स्टेनलेस स्टील लो करनी, तो लोहा क्रोमियम निकिल जल्दी याद नहीं होगा पर हो गया तो रामबाण। देखिए ड्यूरोलमीन को अल्कुमग्न बुलवानी है, कहां बुलवाओगे अल्कुमग्न, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज। उसके बाद रोज मेटल भी सीटी बजाए तो बिस्मत सीसा टिन मोनेल ने लोहा तानी है, आओ आओ ओबेसिटी आओ, तो लोहा तांबा निकिल ठीक। और देखिए इसके अलावा क्या होता है, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से बना होता है दोस्तों, ये सब क्या थे एलॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाका कैसे बनता है दोस्तों, तो टाका से क्या करना है, टाका से हमको सीटी बजवाना है, तो बजवाओ सीटी। देखो कि यहां पर क्या होगा सीटी, तो सीसा और टिन बज गई सीटी ठीक, तो सीसा और टिन यानी बी क्या है सही है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर है, यह प्रश्न आप ऐसे हल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, पसलियों की बात हो रही है दोस्तों, पसली हमारा कंकाल तंत्र का हिस्सा है, स्केलेटन का हिस्सा है। और देखिए पसली ऐसा भाग है जो हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को, हमारी किडनी को, इन सभी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पसलियां सामने होती, यहां देखिए ये पसलियां हैं, पसलियां सामने होती हैं, और पसली वो भाग है जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम बात करें पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए ध्यान दोस्तों यहां पूछ रहा है कि कुल पसलियां कितनी होती हैं, तो देखिए अगर मैं पसली की बात करूं, तो रिब्स की बात करूं, तो 7 जोड़ी होंगी, 3 जोड़ी होंगी, 2 जोड़ी होंगी या 12 जोड़ी होंगी। आइए पहले एक बार हड्डी गिनते हैं कि हड्डी कितनी होगी शरीर में हमारे, उसके बाद ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर दोस्तों हड्डियां गिने 8 खोपड़ी, 8 क्या होती है स्कल में होती है, 14 चेहरे पे, 6 कानों में, 1 हॉर्न होती गले में, कुल कितनी 29 हो गई ठीक। उसके बाद देखिए सामने हमारा चेस्ट होता है, सामने क्या होता है चेस्ट होता है, इसमें वक्ष में कितनी, तो 24 पसलियां और एक इनको जोड़ने वाली स्टर्नम सबसे पतली हड्डी होती है। तो एक बार गिन लेते बड़ा मजा आएगा, आइए देखते हैं कि कितना मजा आता है। तो हम बात करें अगर स्केलेटन की, कंकाल की, तो स्केलेटन को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक हमारा होता है अक्षीय कंकाल, एक हमारा क्या होगा अक्षीय कंकाल, यानी इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है अनुबंधी कंकाल जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन ठीक। तो अनुबंधी कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो यहां 120 हड्डियां होती हैं, अगर यहां बात करूं तो यहां कितनी होती हैं 80 प्लस 6 86 हड्डियां होती हैं। तो हम कंकाल को काउंट कर रहे हैं, हड्डियों को गिन रहे हैं, आइए गिनते कैसे हड्डियां होंगी। तो दोस्तों अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा हमारी खोपड़ी, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां, तो खोपड़ी में कुल होती है 29 हड्डियां। अगर इन 29 हड्डियों की बात की जाए तो देखिए पहला कपाल मतलब स्कल, कपाल में कितनी हड्डियां, तो भैया कपाल में 8 हड्डियां। उसके बाद चेहरा यानी कि फेसियल, तो चेहरा में कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां। यदि बात करें हम कानों की, तो कान में कितनी हड्डी, 6 इंकस मेलियस स्टेप्स। उसके बाद गले में होती हवाइड, गले में क्या होती है हवाइड होती है गले में हाइड, ये कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है, कुल दो गिनो 14 8 कितना हो गया दोस्तों 22 6 28 1 29। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो इसके बाद हमारा आता है सामने वाला वक्ष, अगर हम बात करें वक्ष की तो यहां कितनी हड्डियां होती, कुल 25 होती है। अगर मैं इन 25 हड्डियों की बात करूं तो दोस्तों पसलियां,
पसलियां कितनी होती हैं? पसलियां होती हैं 24। तो 24 का मतलब 12 जोड़ी होती हैं। और स्टर्नम सबसे चपटी हड्डी है शरीर की और पसलियों के बीच रहती है। ठीक है, तो 12 पैर में क्या हो गई? पसलियां हो गई। एक स्टर्नम कितना? 25 हड्डियां। यानी दोस्तों हमारे सामने जो ये हिस्सा है यहां कितनी हड्डियां होती हैं? तो 25 होती हैं। यदि इसके बाद की बात की जाए, अगर इसके आगे की बात की जाए, तो हमारा पीछे वाला हिस्सा आता है, पीछे वाला वक्ष, जिसको हम कहते हैं कशेरुक, है ना। तो कशेरुकी कुल कितनी होती है? कुल होती है 26 हड्डियां। अगर इन 26 हड्डियों को काउंट करें तो देखिए कितनी होती हैं। अगर इन सबको काउंट करें दोस्तों, पहले हमारे गर्दन में कितनी हड्डी होती है पीछे? दोस्तों गर्दन में होती है 7 हड्डियां। उसके बाद कशेरुक दंड में कितनी होती हैं? कशेरुक दंड में वर्टेब्रल कॉलन दोस्तों ये होती है कुल मिलाकर के 12 होती हैं। अगर हम बात करें यहीं पे कमर यानी कि लंबर कितनी होती हैं, तो लंबर दोस्तों होती है कुल मिलाकर के 5। अगर बात करें सैक्रम की, तो सैक्रम होती है 1। और थोरिकिक्स की बात की जाए, जिसे हम कहते हैं टैल या इसको कहते हैं पुच्छ, थोरिकिक्स, इसमें होती है 1। जरा काउंट करिए, 12 7 कितना होता है? 12 7 हो गया 19, 19 5 24, 24 2 26। तो 26 हड्डियां कहां होती दोस्तों? 26 होती हैं हमारे पीछे वाले हिस्से में। और यदि आगे बात की जाए अंश मेखला की, अगर हम बात करें अंश और मेखला की, तो दोस्तों अंश मेखला में कितनी हड्डियां होंगी? बहुत ही मजेदार पॉइंट है। तो अंश मेखला में दोस्तों कुल होती हैं लगभग आपकी 4 हड्डियां। अगर इनमें काउंट किया जाए तो देखिए यहां सामने गले के पास, यहां देखिए ये ब्यूटी बोन है। इस ब्यूटी बोन में हम अपनी भाषा हसुली कहते हैं, ये ब्यूटी बोन है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। महिलाओं में ब्यूटी बोन ये क्लेविकल है ना, क्लेविकल होती है गले, हमारे गले के पास होती है। तो क्लेविकल की अगर बात की जाए तो क्लेविकल होती कितनी है? अगर बात करूं क्लेविकल की तो ये होती कितनी है? क्लेविकल होती है 2। और जस्ट पीछे कंधे पर, यहां कंधे के पीछे दोस्तों यहां पर हड्डी होती है, जिसको हम कहते हैं स्कैपुला, दूसरी सबसे चपटी हड्डी है स्कैपुला, इसको मैं यहां लिखता हूं। तो स्कैपुला कितनी होती है? यह होती है 2। यानी कितनी हो गई? 4। ये हो गई। अब हमने अंश मेखला देखा, अब अगली क्या है? श्रोणि मेखला। अगर श्रोणि मेखला की बात की जाए तो श्रोणि मेखला में कुल कितनी हड्डियां हैं? ये भी होती हैं दोस्तों 2, जिन्हें हम कहते हैं कूल्हे का जोड़, या इनको हम कहते हैं आस इनामिनेट्स। अगर बात की जाए आस इनामिनेट्स की, तो ये कितना होता है? 2 होता है आस इनामिनेट्स। कितना कुल होगा? 2 होगा। ठीक, देखिए अब अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, तो ये कितना होता है? 2 होता है। अब जरा काउंट कर लीजिए, 29 और 25, उसके बाद 26, उसके बाद ये 4 और ये 2 6। तो दोस्तों 2 4 कितना हुआ? 6। और इसके बाद कितनी है? 26। तो 26 6 कितना हो जाता है? 26 और 6 होता है आपका जो है 34। उसके बाद दोस्तों 34 में जोड़िए 29 और जोड़िए अपना 25। तो कुल कितना होता है? कुल होता है 26 और दोस्तों कुल होता है 86 हड्डियां। तो यहां कुल कितनी होती है? 86 हड्डियां होती हैं। ध्यान देना, ये कुल 86 हड्डियां होती हैं, इनको हम कहते हैं अनुबंधी कंकाल, यानी हाथ और पैर को छोड़ करके सभी हिस्सा क्या हमारा, इसको हम कहते हैं अक्षी कंकाल, सॉरी इसको हम बोलते हैं अक्षी कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। यहां कुल होती हैं 86 हड्डियां। और अगर मैं बात करूं इसके बाद अनुबंधी कंकाल की, तो यहां देखिए और भी मजेदार पॉइंट बनेगा यहां पर। अगर दोस्तों बात की जाए अनुबंधी कंकाल की, यहां कुल कितनी हड्डियां हैं? यहां कुल हड्डियों की संख्या है 120। तो अनुबंधी कंकाल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 2 पार्ट क्या क्या बनते हैं? एक बनता है दोस्तों हमारा अग्रपाद, जिसको हम कहते हैं हाथ। यहां होती है 60 हड्डियां यानी कि हाथ। और पश्चपाद यानी कि पांव, यानी कि पैर,
ये बात कर रहे हैं किसकी, पैर की। तो पैर में कितनी होती है, 60 हड्डियां, 60 60 120, 60 60 कितना होता है, 60 60 120। तो यहां भी होती है 60 हड्डियां, तो 60 60 कितना हो गया, 120 हो गया, यहां 60 हो गया। तो अगर हम पहले बात करें पैर हाथों की हड्डियों की, दोस्तों देखिए यहां जो हड्डियां होती है, ये हड्डी, इसको हम कहते हैं अग्रबाहु, इसको हम कहते हैं अग्रबाहु, यहां से यहां तक, यहां कंधे से अग्रबाहु है। तो अग्रबाहु या इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, यानी इसको हम कहते हैं अग्रबाहु या इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। तो अग्रबाहु कितनी है, अगर बात की जाए अग्रबाहु की कितनी है, यानी ह्यूमरस, तो ह्यूमरस कितनी होती है, 2 होती है। फिर अगर मैं बात करूं पश्चबाहु की, इस हिस्से की, इसको हम कहते हैं पश्चबाहु। अगर हम बात करें पश्चबाहु की, यानी ह्यूमरस के नीचे पश्चबाहु में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, ये होती हैं कितनी होंगी, देखिए एक होती है रेडियस, 2 होगी, और एक होती है अलना, कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 रेडियस 2 अलना, कुल कितनी हो गई दोस्तों, कुल हो गई ये 4, यानी यहां हो गई 4 हड्डी। यानी यहां देखिए, यहां रेडियस और अलना होती है, अलना दूसरी सबसे लंबी हड्डी है, पहली कौन सी होती है, फीमर होती है। तो रेडियस और अलना, इसके बाद देखिए हमारा अब अगला जो पार्ट है वो क्या आता है, वो कलाई का आता है। इस कलाई में कितनी हड्डियां, तो भैया एक कलाई में कितनी, 8, और दूसरे में कितनी होगी, 8, तो 8 8 16। देखिए कलाई को हम कहते हैं कार्पल, कलाई को हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। और कार्पल में कितनी हड्डियां, कार्पल में होती हैं 16, 8 8 16। और फिर क्या बचता है, ये हमारा जो हथेली है, तो यहां पर ये हथेली है, इसको हम कहते हैं हथेली, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटाकार्पल, इसको हम हथेली कहते हैं, परंतु इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां, यहां दोस्तों होती हैं 10, 5 में 1 2 में कितनी हो गई, 10। उसके बाद जो हमारी अंगुलियां होती हैं हाथों की, अंगुलियां कितनी होती हैं, यह सोचने वाली बात है। तो 1 2 3, 3 3 6 9 12 और 2, यहां पर 14, तो 14 एक हाथ में, 14 दूसरे हाथ में, कितनी हो गई, 28। तो 28 हड्डियां दोस्तों होती है हमारी अंगुलियों में, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फैलेंजेस, इनको हम कहते हैं फैलेंजेस, यानी कि हाथों की उंगलियों को हम क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। जरा काउंट करते हैं, 4 2 6 और 16 6 22 10 32 28, कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 हड्डियां होती हमारे हाथों में। अब हम बात करेंगे पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आइए बात करते हैं कि पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए अगर हम बात करें पैरों में होने वाली हड्डियों की दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा जांग की हड्डी। तो जांग को क्या बोलते हैं, जांग की हड्डी, थाई की हड्डी को हम बोलते हैं फीमर। तो फीमर सबसे लंबी है और ये 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है नी कैप। नी कैप क्या होता है, घुटने के ऊपर टोपी होती है, यानी कैप होती, घूमती रहती है। अगर वो कैप घूमना बंद कर देगी तो आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, ना तो उठने वाले काम कर पाएंगे, ना तो बैठने वाले काम कर पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद होता है हमारा घुटने की टोपी, अर्थात नी कैप, घुटने की कैप, कैप जिसको हम कहते हैं पटेला। तो पटेला कितना होगा, 2 घुटने में कितना होगा, 2 होगा ना। उसके बाद घुटने के नीचे पिंडली, तो पिंडली में कुल कितनी हड्डियां होंगी, पिंडली दोस्तों होती हैं कुल मिलाकर के 4 हड्डियां। कैसे, टीबिया 2, फिबुला 2, टीबिया कितनी, 2, और फिबुला कितनी, ये भी 2। तो टीबिया 2 और फिबुला 2 कितनी कुल हो गई, 4 दोस्तों, 2 2 4 होती है यहां पर। अब बात करेंगे उसके बाद टखना, यानी कि पिंडली के नीचे टखना जिसको हम कहते हैं टार्सल। तो टार्सल में कितनी हड्डियां, टार्सल में होती है दोस्तों 1 में होती 14, 1 में होती 7, तो दोनों में कितनी होंगी, 14 हो जाएंगी। उसके बाद हमारा आता है पंजा, यानी पैर का पंजा, यानी कि तलवा, इसको हम कहते हैं मेटाटार्सल,
इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटा टार्सल। तो मेटा टार्सल में कितनी हड्डियां? मेटा टार्सल इसमें होती है कुल मिलाकर के कितनी हड्डी दोस्तों? 10 हड्डियां। अब बचता है अंगुलियां, यानी कि पैरों की अंगुलियां, यानी कि फैलेंजेज। तो यहां फैलेंजेज में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? या हो जाएंगी 28। काउंट कर लीजिए, दो दो चार, चार चार आठ, 14 8 कितना हुआ? 14 8 22। और दोस्तों उसके बाद 28 कितना हो गया? 60। तो 60 हड्डियां कहां होती है? पैर में होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही क्लास के लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉलिंग हो रहे नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है? व्हाट्सअप करने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए जो अब रनिंग बैच चल रहा है हमारा, उसमें आपको एडमिशन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न की, कि प्रश्न क्या था दोस्तों? प्रश्न हमारा है, मनुष्य की कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो देखिए भैया, मैंने कहा 24 होती है ना, क्या हो जाएगा? 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियां होती है। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? 12 जोड़ी। आइए हम आगे बढ़ते, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भिन्न है। और देखिए आपके ऑप्शन क्या है? इस्पात यानी स्टील, जर्मन सिल्वर, शीशा और पीतल। ये आपके ऑप्शन हैं, ठीक? ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन है आपके इस्पात, जर्मन सिल्वर, शीशा और क्या है दोस्तों? शीशा और पीतल। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इन, पहले मैं बात करता हूं यहां दिए गए ऑप्शन पर, कि ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों? इस्पात यानी कि स्टील। स्टील कैसे बनता है? स्टील दोस्तों बनता है आपका लोहा प्लस कार्बन, यानी ये अलॉय हो गया। लोहा प्लस कार्बन से क्या बनता है? स्टील बनता है। अगर वही बात की जाए जर्मन सिल्वर की, तो जिंक प्लस तांबा प्लस निकिल। अब प्रश्न हमारा यहां पर ये बन जा रहा है कि अगर इन सब में ये मिला होता तो शीशा में क्या मिला होता है? भाई ध्यान देना दोस्तों, लेड क्या है? लेड एक स्वतंत्र धातु है, ठीक? तो शीशा दोस्तों क्या है कि एक धातु है। और देखिए शीशे का प्रयोग कहां हम करते हैं? इसको हम कहते हैं लेड, कहते हैं LED। तो इसका प्रयोग कहां होता है? लेड पाइप बनाने में, यानी कि जो पाइप बनती है, लेड पाइप कैसे बनती है? वो बनती है लेड से। उसके बाद दोस्तों ई से इलेक्ट्रिक सर्किट चिप, जो इलेक्ट्रिक सर्किट चिप होती है वो कैसे बनती है दोस्तों? वो बनती है लेड से। फिर ए से क्या होता है? एलॉय बनता है। एलॉय का मतलब मिश्र धातु। तो अगर मैं एलॉय की बात करूं, देखा अभी आपने सोल्डर कैसे बनता है? सोल्डर बनता दोस्तों आपका कैसे बनता है? लेड से बनता है, ठीक ना? अब देखिए आगे क्या दोस्तों? डी, तो डी से क्या होता है? डी से होता है डिफेंड टू रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव रेज। तो विद्युत चुंबकीय किरणों से क्या होता है दोस्तों? यदि रेडियो किरणों से सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? लेड, है ना? लेड पर क्या प्रयोग करते हैं? और दोस्तों ध्यान देना, अगर शीशा पेट्रोल वाली गाड़ियां जो होती हैं उसके शीशे में, उसके धुएं में क्या होता है? लेड होता है। दरअसल दोस्तों इंजन में अपस्फोटन होता है, अपस्फोटन को रोकने के लिए एंटी नॉकिंग को रूप के रूप में, नॉकिंग को रोकने के लिए एंटी नॉकिंग के रूप में पेट्रोल में लेड को पहले मिलाते थे। और ध्यान देना दोस्तों, इसीलिए उस पेट्रोल वाली गाड़ी के धुएं से लेड तत्व निकलता था, जो हमारे नर्वस सिस्टम या हमारे पाचन तंत्र और हमारे फेफड़े में कैंसर को बढ़ाता था। अगर मैं लेड की बात करूं, तो दोस्तों ध्यान देना, शीशा एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है। बाकी सब धातुएं क्या होती? चालक होती है, लेकिन शीशा क्या है? ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर बात की जाए कांच की, तो दोस्तों लेड का एक कंपाउंड होता है लेड एसीटेट। दोस्तों लेड एसीटेट जिसका प्रयोग कहां होता है? सिंदूर के निर्माण में होता है। एक होता है टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड।
तो लेड एसीटेट का प्रयोग कहां होता है? सिंदूर में दोस्तों, जिसको कहते हैं रेड लेड, और टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग एंटी नॉकिंग को रोकने के लिए पेट्रोल में होता है। ठीक, अब देखिए यहां बात करेंगे आगे। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो यहां पर लिखा गया लेड, तो लेड क्या है? एक मेटल है, धातु है। क्या? एक धातु है। और वही पीतल कैसे बनता है? जिंक प्लस तांबा से। यानी यहां पर दिया गया जो अदर आपके लिए ऑप्शन दोस्तों है वो क्या है, उन सब में वो सब जो है एलॉय है, मिश्र धातुएं हैं, लेकिन जो शीशा है, शीशा मिश्र धातु नहीं है। ये क्या है? एक तत्व है, एक धातु है। इस बात को आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सांस अभियान किस बीमारी से संबंधित अभियान है? तो पहला ऑप्शन आपका निमोनिया। निमोनिया ऐसी बीमारी है जिसका प्रभाव कहां होता है? हमारे फेफड़े पर होता है। दरअसल निमोनिया कैसे फैलती है? डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से। तो डिप्लोकोकस निमोनी से क्या होता है? निमोनिया होता है। आगे जो ऑप्शन हमारा है बी, एड्स, सी, मलेरिया, और डी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। तो सांस अभियान अभी हाल ही में चलाया गया 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा गांधीनगर गुजरात में। दोस्तों सांस अभियान गांधीनगर गुजरात चलाया गया था 16 नवंबर को। ये चलाया गया 16 नवंबर 2019 को 2019 को यह अभियान चलाया गया था, सांस अभियान, और चलाया गया था गांधीनगर में। और इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जो है गांधीनगर चलाया गया था। तो चलाया कौन था? तो केंद्रीय दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अभियान चलाया था। हमें जानना यह है कि यह अभियान क्यों चलाया गया था और किस बीमारी से के लिए चलाया गया था। दोस्तों यह पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन देखिए बहुत संभावित और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 16 नवंबर 2019 को गुजरात के गांधीनगर में चलाया गया सांस अभियान किस बीमारी से संबंधित है। तो ध्यान देना, पहला ऑप्शन निमोनिया, दूसरा ऑप्शन एड्स, तीसरा ऑप्शन मलेरिया, और दोस्तों उसके बाद डिप्लोकोकस, उसके बाद क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आइए समझते पहले इसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म है सोशियल अवेयरनेस। तो सोशियल अवेयरनेस टू एक्शन न्यूट्रलाइज, दोस्तों न्यूट्रलाइज निमोनिया। देखिए अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सोशियल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, यानी कि सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज्ड निमोनिया सक्सेसफुली। तो अभी देखिए यह इसका फुल फॉर्म है, सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अभी देखिए आपको यह आइडिया अपने आप मिल गया होगा दोस्तों कि यह अभियान किस बीमारी से संबंधित है। तो ध्यान देना, निमोनिया से। निमोनिया ऐसी बीमारी है जो डिप्लोकोकस निमोनी से फैलती है। इसका प्रभाव कहां होता है? हमारे फेफड़े पर होता है। फेफड़े जकड़ जाते हैं और फेफड़े वायु ग्रहण करना, ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करना बंद कर देते हैं, जिससे दम घुटने से व्यक्ति क्या होता है? मर जाता है। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में कोरोना वायरस आया हुआ है, तो कोरोना वायरस भी क्या है?
उसका प्रभाव भी, उसके लक्षण भी निमोनिया के जैसे ही आते हैं। तो हम देखेंगे, देखिए जो यहां पर और ऑप्शन है, एड्स, दोस्तों एड्स के लिए नहीं हुआ था, इसके अलावा मलेरिया नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं। तो देखिए अगर बात करें एड्स की दोस्तों, होती है क्या है, रेट्रोवायरस है जो कि होता है एचआईवी से होता है, और मलेरिया दोस्तों, मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ऐसा प्रोटोजोआ है जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है, और इसका वाहक है यानी कि इस मच्छर के, एक मच्छर है मादा एनाफिलीज, वह मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर इस प्रोटोजोआ को हम तक पहुंचाता है। आगे है ट्यूबरक्लोसिस, तो इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि एमटीबी। इसको हम क्षय रोग कहते हैं, इसको एक्समा कहते हैं, इसको तपेदिक कहते हैं। इसका प्रभाव कहां होता है, हमारे श्वसन तंत्र पर दोस्तों होता है। सबसे पहले रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी, जिसके लिए उनको नोबेल दिया गया था। अगर बात करूं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चंस की, देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा है, अगला हमारा प्रश्न है कि दूध से दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो यहां दूध से दही की बात चल रही है, तो आइए पहले दूध और दही की बात कर लें, तो आइए पहले दूध और दही की बात कर लें, उसके बाद हम इसकी बात भी करते रहेंगे। तो दोस्तों दूध से दही में परिवर्तन, अभी देखिए मैं प्रश्नों को हल करवाऊंगा, तो इस प्रश्न के उत्तर अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो दूध और दही की बात चल रही दोस्तों, तो पहले दूध की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं दूध की। तो अगर हम दूध की बात करें, तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए एक विधि आती है, जिसका नाम क्या है, पाश्चुरीकरण है। और दोस्तों पाश्चुरीकरण में क्या होता है, पाश्चुरीकरण में दूध को लगभग 62.8 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हैं, उसके बाद ठंडा कर देते हैं। आइए हम दूध को पढ़ते हैं, दूध को पढ़ते हुए हमारे सारे प्रश्न यहीं पर हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं दूध की दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट, दूध में सफेद रंग, दूध में सफेद रंग क्यों होता है, उसके बाद दूध में पीलापन, पीलापन क्यों होता है, उसके बाद दूध में मीठापन क्यों होगा, मीठापन क्यों होता है, और इसके बाद दूध में खट्टापन क्यों होता है, और खट्टेपन के बाद दूध में कड़वापन क्यों होता है, कड़वापन क्यों होता है दूध में, दूध कड़वा क्यों होता है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद पॉइंट क्या बनता है, पीएच मान कितना है, उसके बाद दूध से दही बनाने वाला जीवाणु, दूध से दही का निर्माण करने वाला जीवाणु, और इसके बाद दूध में जल की मात्रा, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, इसके बाद वसा की मात्रा, और वसा के बाद प्रोटीन की मात्रा, और इसके बाद दोस्तों खनिज की मात्रा, मिनरल की मात्रा कितनी होती है। तो दूध के इन सभी फैक्ट के विषय में हम टू द पॉइंट बात करेंगे आपसे। तो पहला पॉइंट आपका क्या बन रहा है, दूध में सफेद रंग क्यों होता है। तो आप सभी को पता होगा दूध में सफेद रंग क्यों होता है, तो केसीन प्रोटीन से। तो केसीन प्रोटीन से क्या होता है, दूध का सफेद रंग होता है। और यदि इसके बाद बात करें दूध में पीलापन क्यों होता है दोस्तों, तो दूध में पीलापन क्यों होता है, दूध में पीलापन होता है फास्फोरस, दूध में पीलापन क्यों होता है, ये होता है फास्फोरस से। और इसके अलावा प्लस दोस्तों क्या मिला होता है, इसके अलावा मिला होता है कैरोटीन। तो फास्फोरस और कैरोटीन से दूध क्या होता है, पीले रंग का होता है। और यदि आगे बात करें तो दूध में मीठापन क्यों है, लैक्टोज से, दूध में मीठापन क्यों होता है, तो लैक्टोज से होता है। और फिर बात करें दूध में खट्टापन, कि दूध में खट्टापन क्यों होता है भाई, तो लैक्टिक अम्ल से होता है। क्यों होता है, दूध में खट्टापन
लैक्टिक अम्ल से होता है, लैक्टिक अम्ल से होता है, दूध में खट्टापन। और दोस्तों दूध में कड़वापन क्यों होता है, देखिए यह होता है कैरोटीन से। अब आप सोचेंगे दूध कड़वा कब होता है, दूध कड़वा तब होता है जब नवजात बच्चे का, जब मान लीजिए कोई गाय भैंस है, तो गाय भैंस ने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उस दौरान 8-10 दिन तक क्या होता, दूध जो है कड़वा होता है। कड़वा क्यों होता दोस्तों, उसमें कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और उस दूध को हम पायस कहते हैं या खीस कहते हैं, है ना, या पीयूष कहते हैं, तो उसमें कैरोटीन प्रोटीन ज्यादा होता, तो क्या होता है कड़वा होता है। अगर बात करें हम पीएच मान की दोस्तों, तो 6.4 ये दूध का पीएच मान होता है। और अगर बात की जाए आपसे कि दूध से दही का निर्माण कौन करता है, ध्यान देना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही का निर्माण कर देता है। और यदि आगे बात की जल की मात्रा कितनी होती है, तो दूध में जल की मात्रा 87.7% होती है। बात करें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट 4.9% होता है। और वहीं बात करें वसा की, तो 3.4% दूध में फैट होता है। और बात करें प्रोटीन की, तो 3.3% क्या होगा, प्रोटीन। और बात करें मिनरल्स की, तो 0.7% क्या होता है, मिनरल्स। और दूध में क्या अनुपस्थित होता है, तो दूध में क्या अनुपस्थित है, विटामिन सी दूध में क्या होता है, अनुपस्थित है, विटामिन सी दूध में नहीं होता। तो देखा आपने दूध के बारे में इतने फैक्ट्स आपको एक किताब में नहीं मिल पाएंगे। और अगर मैं बात करूं आपसे पाश्चुरीकरण की, अगर बात करूं पाश्चुरीकरण की दोस्तों, तो पाश्चुरीकरण कौन दिया था, लुई पाश्चर ने कहा था कि दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करना है, इसको 30 मिनट बॉयल करना है, क्या करना है, इसको 30 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको 5 मिनट क्या करना है, ठंडा कर देना दोस्तों, इसको कोल्ड कर देना है। उसके बाद देखिए जो दूध बचेगा जल्दी खराब नहीं होगा, इसको हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो दूध से इतने पॉइंट बनते हैं। अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त हो चुका होगा। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, तो दोस्तों अगर बात करें इसमें हम क्या होता है, तो इसमें दूध से दही में परिवर्तन कौन करता है, तो राइजोबियम नहीं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहां पर ये करता है, दलहनी फसलों की जड़ों में। दरअसल ये क्या है, ये एक सहजीवी जीवाणु है, दलहनी फसलों की जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन के रूप में अपना भोजन लेता है, और आसपास उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके पौधों को प्रदान करता है। इन तीनों का दोस्तों क्या होता है, इन दोनों का वही काम होता है, ये क्या है, नाइट्रोजन स्थिरी कारक है। ठीक, आगे है एसिटोबैक्टर एसेटी, तो भाई इसका काम होता है सिरके का निर्माण करना, और सिरके में कौन सा अम्ल, सिरके में दोस्तों होता है एसिटिक अम्ल, और आगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हां, यही क्या है, राइट आंसर है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, कि पौधों में ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला वृद्धि रोधक का कार्य कौन करता है, यानी कौन ऐसा भाग जो वृद्धि को रोकता है। इसमें ट्राउमैटिन, एबिसिसिक अम्ल, एथिलीन, फ्लोरोजिन। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो ग्रोथ को न्यूट्रल कर देता है, वृद्धि को रोकता है। तो अगर मैं बात करूं किसी पौधे की, अगर दोस्तों यहां बात करें किसी पौधे की, अब यहां कोई पौधा है ना, इसमें क्या होगा, अगर किसी पौधे की बात की जाए, तो इसमें होता है पत्तियां, इसमें क्या होती हैं, इसमें होती हैं पत्तियां, तो दोस्तों ये हो गया पौधा, और इसमें क्या निकला होता है, इसी में निकला होता है पुष्प, इसी में क्या निकला होता है, इसी में निकला होता है पुष्प, यानी कि फूल।
और इसी में क्या होता है, इसी में निकले बने होते हैं फल दोस्तों, इसी में क्या होते हैं, इसी में फल भी होते हैं, यहां क्या होते हैं फल होते हैं। और यहां जो क्वाइंट बन रहा है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो पहले हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन की। तो अगर प्लांट हार्मोन की बात की जाए दोस्तों, तो प्लांट हार्मोन कुल कितने होते हैं, देखिए पहला क्या है दोस्तों, पहला होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है ट्राउमेटिन, उसके बाद नंबर चार पर है ऑक्सिन, दोस्तों पांच पर क्या है एबसिसिक अम्ल, एबसिसिक अम्ल, छठा क्या है, छठा आपका है फ्लोरोजिन। ये पौधों में सात ऐसे रसायन हैं, सात ऐसे प्राकृतिक तत्व है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये पौधों में सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं, यानी कि पौधों की जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले पदार्थ यही सब है। अगर मैं इन सब की बात करूं बारी बारी दोस्तों, तो देखिए यहां जो पहला साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन यहां जो पहला बनाया गया है, तो साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, इस पौधों की पत्तियों को हरा करता है। और इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो साइटोकाइनिन कोशिका के निर्माण संबंधी, यानी ये पौधों में सेल डिवीजन करवाता है, कोशिका विभाजन, आरएनए और डीएनए का निर्माण, और पत्तियों को हरी भरी करता है, और कुछ मात्रा में ये अंकुरण को भी प्रेरित करता है, यानी कि साइटोकाइनिन। और देखिए उसके बाद कभी ये अकेले काम नहीं करता, जब भी काम करेगा तो ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है। और अगर मैं बात करूं एथिलीन की दोस्तों, तो एथिलीन प्राकृतिक रूप से ऐसा हार्मोन जो फल पकाने में सहायक है, यानी पौधों के तनों और पत्तियों में होता है और फलों को पकाने में सहायता करता है। याद रहे एकमात्र ऐसा हार्मोन जिसको हम गैस अवस्था में प्राप्त करते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राउमेटिन की, तो भाई देखिए जब हम बीमार पड़ते हैं, तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन ये पौधा है ये किस डॉक्टर के पास जाएगा, तो दोस्तों होता क्या है, ये पौधा कहीं जा नहीं पाता, बल्कि इस पौधे के अंदर खुद डॉक्टर होता है। वो क्या करता है, वो ऐसा डॉक्टर है दोस्तों जो पौधे के कटे फटे भागों की मरम्मत करता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई गाय आती है और पौधे का इतना हिस्सा खा लिया, यानी किसी गाय ने क्या किया दोस्तों, पौधे का इतना हिस्सा खा लिया, तो हम देखते हैं कि बगल से क्या होती है, फिर पत्तियां निकलती हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां निकलती हैं, या हम पौधे के भाग को छील दे, तने को छील देते हैं। जब तने को हम छील देंगे, जैसे आज हमने छील दिया, तो 10 दिन बाद हम देखते हैं कि इस पौधे के तने में इसके घाव भर जाते हैं, या अगर किसी बकरी ने इसको खा लिया तो बगल से पत्तियां निकल जाती हैं। तो ये होता कैसे है, ये कार्य करता है ऑक्स या जो ट्राउमेटिन। उसके बाद दोस्तों अगला क्या है, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन पौधों में खोजा गया प्रथम हार्मोन है, और ऑक्सिन इस शाखाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, शाखाओं को मोटा करता है, तनों को मोटा करता है दोस्तों, और खासकर कुछ कुछ जगहों पर ये ऑक्सिन खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें एब्सिसिक अम्ल की दोस्तों, तो एब्सिसिक अम्ल ऐसा हार्मोन है जिसको हम पौधे का दुश्मन कहते हैं। ध्यान देना, एब्सिसिक अम्ल ऐसा हार्मोन है जो बीज के अंकुरण को रोक देता है, यानी बीज के जर्मेशन को रोक करके पौधे को डॉर्मेंसी यानी कि सुसुप्ता अवस्था में लाता है। ध्यान देना, यानी कि एब्सिसिक अम्ल ऐसा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को रोक देता है, बीज के अंकुरण को रोक देता है, पौधे को सुसुप्ता अवस्था में लाता है दोस्तों, ये वही हार्मोन है। और ध्यान देना, यह ऐसा हार्मोन है जो पतझड़ के मौसम में, तो पतझड़ के मौसम में पत्तियों के बीच क्या होता है, पत्तियों के बीच रंध्र होते हैं, क्या होते हैं, रंध्र यानी कि छिद्र होते हैं, तो ये ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों के छिद्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, श्वसन की क्रिया को रोक देता है, जिससे पौधे के पत्ते सूख करके गिर जाते हैं। तो पतझड़ के समय कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, तो दोस्तों आपका एब्सिसिक अम्ल,
यही वो हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। आगे है फ्लोरोजिन, तो ये क्या करता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन है। देखते हैं कि कौन सा इसमें राइट होगा, ट्राउमेटिन जी नहीं, ये कटे फटे भागों की मरम्मत करता है। उसके बाद एब्सिसिकल जी हाँ, यही क्या होगा, सही आपका ऑप्शन दोस्तों होगा, यही यहां पर क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एब्सिसिक अम्ल। इसके अलावा ये भी नहीं होगा, ये कटे फटे भागों की मरम्मत करता है, डॉक्टर हार्मोन है। एथिलीन फल पकाता है, फ्लोरोजिन फूल खिलाता है, बाकी ये क्या होगा, सही होगा आपका। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, यानी 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, तो इसकी थीम क्या थी। तो जानकारी के लिए मैं आपसे कह दूं दोस्तों कि ध्यान देना दोस्तों आप लोग, यह जो है 3 जनवरी 2020 को हुआ था, है ना। तो यहां पर 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, यह 3 जनवरी 2020 को इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। तो अगर बात की जाए इसके थीम की, तो थीम को बताने से पहले एक पॉइंट और जान लीजिए, जो इसके पहले बार था 19 में दोस्तों, 19 वाला जालंधर में हुआ था, पंजाब में, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके थीम की, तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है कि भविष्य का भारत एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, है ना। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, इसके बाद विज्ञान का भविष्य भारत, विकास भारत का, विज्ञान का भविष्य और विकास भारत का, ग्रामीण परिवेश और सामाजिक जीवन। आपको चुनना है कि इसमें राइट आंसर क्या दिया दोस्तों। इस बार जो 107वीं विज्ञान कांग्रेस हुई थी बेंगलुरु में, उसका थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश करने में उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है मछली के नीचे, जहां मछली है उसके नीचे ध्यान लगाए कि मछली पर ध्यान लगाए, या मछली के ऊपर ध्यान लगाए, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए अगर कोई मछुआरा है वो लेके भाला लेके खड़ा है, तो भाला कहां मारेगा, मछली पर कि मछली के ऊपर कि मछली के नीचे। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, आइए हम इसको समझते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना, क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश किरणें दो पारदर्शी माध्यमों में, अब दो पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है, जैसे एक कांच, कांच भी क्या है, पारदर्शी है, दूसरा वायु, वायु क्या है, पारदर्शी है, जैसे एक जल और एक वायु। तो अगर मैं बात करूं पारदर्शी माध्यम की, तो पारदर्शी माध्यम, माध्यम तो क्या होता है, कांच है, जल है, वायु है, ये सभी क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश किरणें दो पारदर्शी माध्यमों में संचरण करती हैं, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसके नियम क्या क्या हैं। बस दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा, एक विष, दूसरा सभी। एक विष और एक सभी, विष का मतलब जहर, विष जहर, अगर कोई व्यक्ति जहर पी लेगा, विष पी लेगा, तो उठ के भागेगा नहीं, गिर जाएगा, झुक जाएगा। तो विष मतलब विरल से सघन में क्या होता है, झुकना, ये होता है झुकना। फिर सभी, जो सभी लोग वहां आसपास खड़े होकर देखेंगे, रुकेंगे, भाग जाएंगे, यानी कि दूर हटना, क्या होता है, दूर हटना। ध्यान देना, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, और जब प्रकाश किरणें सघन से जाएंगी विरल में, तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। आइए हम देखते हैं इसका क्या सिस्टम है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए अब यहां पर जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, जो पॉइंट यहां बना रहा हूं मैं दोस्तों, ये क्या है, ये दो माध्यम को मिलाने वाला तल है। मान लीजिए दो माध्यम में, एक हो गया ऊपर वाला माध्यम, अगर हम बात करें ऊपर के माध्यम की, तो दोस्तों ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया।
ये सघन माध्यम है। थोड़ा इसको इधर लेते हैं हम, थोड़ा क्लियर भी आएगा, यहां से व्यू क्या होगा थोड़ा सा क्लियर होगा। तो यहां दोस्तों हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले में क्या हो गया, ऊपर क्या है सघन माध्यम है, ठीक कांच हो गया, नीचे क्या है विरल माध्यम वायु है। तो यह हो गई विरल माध्यम और ऊपर क्या है सघन माध्यम मतलब कांच हो गया। अगर ये कांच की बात करें हम तो क्या हो गया कांच हो गया। तो देखिए जब प्रकाश किरणें इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो दोस्तों यहां पे कौन सी घटना होती है, यानी कि मैंने कहा सभी सभी लोग क्या होते हैं दूर हट जाते हैं। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो क्या होता है अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अब यहां हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, यहां देखिए यहां पे कोण आई होगा, एक कोण क्या होगा आर, ये क्या होगा नॉर्मल एन और नॉर्मल एन डैश हो जाएगा। अब ये किरणें आने वाली हैं, इनको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज, इनको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज यानी कि आपतित किरणें, इन्हें कहते हैं इंसिडेंट रे। और यहां देखिए जो एंगल बना हुआ है, तो यहां पर एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दोस्तों ये क्या है, ये किरणें रिफ्रेक्ट हुई है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज यानी कि अपवर्तित किरण। और इसके बाद देखिए दोस्तों जो यहां एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण। यहां क्या हो रहा है अपवर्तन हो रहा है, ठीक। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, यहां अभिलंब से क्या होंगी दूर हटेंगी। और अगले पॉइंट में हम बात करेंगे आपसे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, ये कौन सा माध्यम है इसको हम करते हैं विरल माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम और यहां क्या है सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर क्या होता है झुक जाती हैं दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अगर बात करें तो ए एंगल आई हो गया और ये क्या हो गया एंगल आर हो गया, ठीक। और ये क्या है आपतित है और ये क्या है अपवर्तित है, बस इसको ध्यान रखिए दोस्तों। जब प्रकाश किरणें दो भिन्न भिन्न माध्यमों में जब प्रकाश किरणें दो पारदर्शी माध्यमों में संचरण करती हैं तो क्या होता है दोस्तों ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अब देखिए यहां होता क्या है, यहां देखिए आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह होता है इंसिडेंट पॉइंट, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु है ये, ठीक है दोस्तों। तो आपतित किरणें अपवर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। और ध्यान देना किन्हीं दो माध्यमों के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट दोस्तों ध्यान देना, इसे हम कहते हैं ला ऑफ स्नेल, इस बात का ध्यान दीजिएगा स्नेल का नियम कहते हैं। अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल की बात करूं कि एग्जाम्पल क्या है, क्या पूछ रहा है कि उस मछुआरे को ध्यान कहां लगाना है, तो आइए देखते हैं कि मछुआरे को ध्यान कहां लगाना है। देखिए जैसे अगर बात की जाए ये कोई तालाब मान लीजिए है, ये कोई तालाब है और इस तालाब में दोस्तों जल भरा हुआ है, इस तालाब में क्या है जल भरा हुआ है और कोई मछली है इस तालाब में यहां तैर रही है अंदर। अब दोस्तों देखिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना पानी के गहराई में जाएंगे उतना इस जल का भार अंदर की ओर बढ़ेगा, यानी कि अंदर की ओर क्या होगा जल का भार गहराई के साथ बढ़ेगा, ठीक। देखिए अब क्या होता है दोस्तों, जितना हम गहराई में जाएंगे उतना दबाव बढ़ेगा भार बढ़ेगा, तो नीचे कौन सा माध्यम बनेगा सघन माध्यम बन जाएगा।
जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे, जितना ऊपर की ओर जाएंगे तो भार क्या होगा, कम होगा, तो ऊपर की ओर क्या होगा, यहां बन जाएगा विरल माध्यम। ठीक, यानी कि पानी का दबाव अंदर अधिक है तो अंदर सघन माध्यम, दबाव ऊपर की ओर कम है तो ऊपर की ओर क्या होगा, विरल माध्यम। अब देखिए, जब प्रकाश किरणें आती हैं इस तली में टकराती हैं और तली से वापस जब निकलती हैं, जब प्रकाश किरणें आएंगी और तली में टकराएंगी और यहां से जब वापस जाती हैं तो पहला कौन सा माध्यम, पहला कौन सा माध्यम, पहला होता है सघन माध्यम, पहला क्या है, सघन माध्यम। उसके बाद कौन सा माध्यम, उसके बाद दूसरा क्या होगा, विरल माध्यम। क्योंकि जब प्रकाश किरणें आएंगी तली में टकराएंगी और वापस जाएंगी तो पहला कौन सा माध्यम पड़ेगा, सघन माध्यम, दूसरा माध्यम विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो अभिलंब से दूर जाएगी ना मछली तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगी। अब देखिए, तो बताइए उस मछुआरे को भाला कहां मारना है, नीचे, कहां मारना कि इस मछली पर नहीं, उसके मछली के ऊपर मारना है, यानी थोड़ा सा ऊपर जब मारेगा तो कहां लगेगा, मछली पर। यह रहा इसका कॉन्सेप्ट। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहां क्या होगा, मछली पर ध्यान नहीं लगाएगा ना, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर मछली के नीचे नहीं, मछली के सीधे नहीं, मछली के ऊपर की ओर, ठीक है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग क्या है, माता का ओ हो, तो बताइए उसके पुत्र में क्या होगा। तो भाई ध्यान देना, पिता का ए है तो ए में कौन सा जीवन टाइप, ए और ओ, और पिता का क्या है, सॉरी पिता का ए है और माता का क्या है दोस्तों, ओ है, क्या होगा, इसमें ओ और ओ हो जाएगा। ये होता है ब्लड का जीनोटाइप, ए में ए और ओ, ओ में ओ और ओ, देखते हैं क्या बन जाता है। तो पहली बार में ए और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, है ना। चलिए इसको बस आपको और अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से तो आप पॉइंट को समझ लेंगे बढ़िया से। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो होता है क्या है कि रक्त का निर्धारण तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, ए, तो ए में क्या होता है, ए में होता है ए और ओ। बात करें अगर बी की तो यहां होता है बी और ओ। बात करें अगर ए बी की तो यहां क्या होता है, ए और बी, ए और बी। बात करें अगर ओ की तो ओ और ओ। इसको आपको ध्यान देना है, ये रक्त के क्या है, जीनोटाइप है। प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न बना है, यानी देख सुनिए पहले, यानी अगर ए और ओ मिलेगा तो ए बनेगा, बी और ओ मिलेगा क्या बनेगा, बी बनेगा। ए और बी मिला तो ए बी, ओ और ओ मिला तो ओ बनेगा। देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर पिता क्या है, पिता ए है, यहां पर पिता क्या है, पिता ए है, और माता क्या है, माता ओ है। तो ए देखिए इसमें क्या बना, ए और ओ बना, तो यहां लिख दिया ए और यहां कर दिया ओ। फिर यहां देखिए माता ओ है तो यहां पर ओ और यहां पर ओ, यहां देखिए आप लोग। अब क्या बनेगा, पहली बार में ए और ओ मिला तो ए और ओ से क्या बनता है, ए और ओ से बनता है ए। फिर ए और ओ, यहां क्या बन जाएगा, ए। फिर क्या मिला, ए और ओ मिला, क्या बन गया, ए बन गया दोस्तों। फिर मिलेगा ओ और ओ तो ओ ओ से क्या होगा, ओ। और फिर दोस्तों ये मिलाएंगे इससे तो ओ और ओ क्या बन जाएगा, ओ। देखिए पहली बार में ये मिला किससे, यहां मिला, क्या बन गया, ए। फिर ये मिला किससे, यहां, तो क्या बन गया, ए। फिर ये ओ मिलेगा पहले वाले ओ से, क्या बन जाएगा, ओ। फिर मिलेगा ओ से क्या बन जाएगा, ओ। देखिए अब यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या बनेगा, यहां जो आपको आंसर दे रहा दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें आपका बी या ए बी, ओ बी, बी ए बी या ओ। अब देखिए इसमें जो आंसर दोस्तों है, इसमें
ना तो बी होगा और ना ही ए बी ना ही ओ, यहाँ ओ बनेगा और क्या बनेगा ए बनेगा। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन में दिया नहीं गया है ए, लेकिन जो ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ओ बनेगा कितना 50%, 50% ओ और 50% ए बनता है। सूची ए को बी से मिलाइए, तो देखिए यहां इस सूची को मिलाना है तो मादा एनाफिलीज दोस्तों क्या होता है, मलेरिया होता है, ये एक मच्छर है मादा मच्छर मलेरिया। क्यूलेक्स तो दोस्तों क्या है क्यूलेक्स, तो इससे क्या होता है, इससे होता है फाइलेरिया रेत मक्खी, यानी कि इसको बोलते हैं सैंड फ्लाई बालू मक्खी। तो सैंड फ्लाई से क्या होता है काला आजार, फिर सीसी मक्खी तो इससे क्या होती है नींद की बीमारी, और इसके अलावा क्या होता है एडीज एजिप्टाई जिससे डेंगू होता है, एडीज एजिप्टाई से क्या होता है डेंगू होता है। सो फ्रेंड्स यहां मैच कराइए आप लोग ए का 4, इसमें केवल एक ऑप्शन मिल रहा है तो क्या है सही ऑप्शन है। पारसेक इकाई है दूरी की, सूर्य के प्रकाश की, ऊष्मा की या तापमान की। अगर दोस्तों हम बात करें पारसेक किसकी इकाई, देखिए तो यहां पर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10^15 मीटर। वही बात करें अगर एक प्रकाश एक पारसेक की, तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, यह होता है 3.08 इंटू 10^16 मीटर, या बराबर कितना होता है, यह होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, यह होता है प्रकाश वर्ष के। यदि आगे बात करें दोस्तों तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो होता है 10^-10 मीटर के। पूछता है कि एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, दोस्तों ध्यान देना 10^-15 मीटर के। अब यदि आगे दोस्तों हम बात करें तो कि एक मील में कितना किलोमीटर, 1.60 किलोमीटर। और अगर ऐसे ही बात करें दोस्तों ध्यान देना आप लोग ऐसे बात करें तो एक नॉटिकल मील में क्या होता है 1.852 होता है किलोमीटर। और ऐसे बात करें अगर हम लोग एक एयर की दोस्तों 100 मीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर की कितना होता है 100 एयर 10,000 मीटर स्क्वायर 2.471 एकड़। और एक एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर, तो 4,047 मीटर स्क्वायर, कितना स्क्वायर यार्ड, तो 4,840 स्क्वायर यार्ड। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, तो पारसेक किसकी इकाई, दूरी की, सूर्य के प्रकाश की, ऊष्मा की या तापमान की। तो ध्यान देना यहां पर क्या होगा, ये दूरी की इकाई है पारसेक, ठीक, खगोली दूरी की। चलिए अगला प्रश्न, सूची ए को सूची बी से मिलाना है, तो सूची ए को बी से मिलान करिए दोस्तों। तो ध्यान देना यहां दिया गया है रेक्टर स्केल, तो अगर मैं बात करूं रेक्टर स्केल की, तो दोस्तों रेक्टर स्केल या मर्केली स्केल इन दोनों का प्रयोग कहां होता है, ये होता है भूकंप की तीव्रता में। इसको इस पर क्या होते हैं 0 से 9 तक क्या होते हैं अंकन होते हैं, खाने बने होते हैं जो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और इस यंत्र का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, इस यंत्र का प्रयोग होता है सिस्मोग्राफ में। तो सिस्मोग्राफ में क्या होता है, सिस्मोग्राफ में दोस्तों रेक्टर स्केल का प्रयोग होता है। और उसके बाद दिया हुआ है ब्यूफोर्ट स्केल दोस्तों, तो ध्यान देना ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग कहां होता है, तो ध्यान देना भाई ये होता है एनीमोमीटर में। एनीमोमीटर एक यंत्र होता है और इसी एनीमोमीटर में ब्यूफोर्ट स्केल लगा होता है, यह एक पैमाना है दोस्तों। और ये जो यंत्र है एनीमोमीटर, ये क्या करता है वायु का वेग मापता है। उसके बाद केल्विन स्केल, सो फ्रेंड्स परम शून्य के लिए, परम ताप के लिए होता है। और वहीं बात करें मिलीबार स्केल, तो बैरोमीटर एक यंत्र होता है और उसी बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर यंत्र में मिलीबार स्केल का प्रयोग होता है। तो 1 का 3 सही है, बी और 2 का 4 सही है। तो 1 का 3 2 का 4 यह पहला ऑप्शन क्या गया, मैच कर गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ए वाला। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना क्या कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दोस्तों, या फिर
प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो देखिए मृग मरीचिका क्या होती, पहले समझते हैं इसको कि क्या है मृग मरीचिका। दरअसल होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति रेगिस्तान में होता है तो उसे लगता है कि अगर मान लीजिए कोई यहां पेड़ है तो इस पेड़ का बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि मृग मरीचिका में क्या होता है पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं मृग मरीचिका कहते हैं। तो आइए पहले समझेंगे कि होता कैसे है। दोस्तों एक्चुअली में होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो यहां सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जाए तो देखिए आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरणों के द्वारा ही होता है। ठीक, तो अब इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर हमेशा क्या होगा सघन माध्यम होगा, नीचे क्या होगा हमेशा विरल माध्यम होगा। दोस्तों होता क्या है कि जब प्रकाश किरणें, हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है अविलंब से दूर हट जाती हैं। ये पॉइंट हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं। सपोज करिए कि यदि हम इस आपत, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, यदि हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ा दें, यदि क्या करें कि हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएं तो यहां जो अपवर्तन कोण बन रहा है ये वाला अपवर्तन कोण, ये इसका मान जो आर है ये बढ़ेगा कि घटेगा। दोस्तों अगर हम इस आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण क्या होगा बढ़ेगा। यानी अब देखिए क्या हुआ कि आपतन कोण बढ़ाया गया तो क्या हुआ अपवर्तन कोण भी बढ़ गया, ये क्या हुआ बढ़ गया। अगर हम फिर बढ़ाएंगे आपतन कोण तो अपवर्तन कोण क्या होगा फिर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां जो आपतन कोण था वो आपका था दोस्तों 70 डिग्री और केवल मान रहे हैं, और अपवर्तन कोण कितना था 80 डिग्री। तो अगर मान लीजिए यहां किया गया कि हमने आपतन कोण को 75 कर दिया गया तो अपवर्तन कोण कितना बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, हो जाएगा 85। और फिर हमने क्या किया, हमने इस आपतन कोण को और बढ़ाया और हमने आपतन कोण को कर दिया 80 डिग्री, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 90 अंश। कितना बन गया 90 अंश, यानी कि हमने इस आपतन कोण के मान को जब जब बढ़ाया है ये अपवर्तन कोण भी क्या हुआ है बढ़ता गया है। एक समय ऐसा आ गया कि जब एक निश्चित आपतन के लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 अंश, तो जिस आपतन के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है समकोण बनता है उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहां क्या बन गया भाई, यहां बन गया क्रांतिक कोण दोस्तों, ये बन गया 90 अंश। अगर मान लीजिए अब हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण, यानी क्रांति कितना बना 80, अगर हम आपतन कोण के मान को इस 80 से भी बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो अगर क्रांतिक कोण से अधिक करेंगे तो प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आई थी फिर क्या होगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या होगा वापस लौट जाएंगी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, और जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण क्या होता है वो बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और यदि 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 आपतन कोण को और बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इसको हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए समझते हैं एग्जांपल। देखिए दोस्तों ये मान लीजिए रेगिस्तान है और यहां कोई पेड़ है, ठीक, ये कोई पेड़ है। अब देखिए
कोई व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा है, तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि जो एक पेड़ है इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस व्यक्ति को उल्टा प्रतिबिंब क्यों दिखा? देखो भाई, जब रेत पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो रेत क्या होगी, ये रेत गर्म होगी, और जब ये रेत गर्म होगी, यहां जो रेत है, जब रेत ये गर्म होगी तो क्या होगा, जब रेत ये गर्म होगी तो यहां का वायुमंडल भी क्या होगा, गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो यहां कौन सा माध्यम बन जाएगा, विरल माध्यम। तो नीचे की ओर कौन सा माध्यम बन जाएगा, विरल, और ऊपर की ओर सघन माध्यम। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर जाती है। दोस्तों देखिए, जब प्रकाश किरणें, अब फिर यहां पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और फिर यहां क्या होगा दोस्तों, फिर होगा अपवर्तन, ठीक। अब देखिए फिर क्या होगा दोस्तों, फिर हो जाएगा यहां पर क्या बन गया, यहां बन गया क्रांतिक कोण। उसके बाद फिर देखिए, फिर यहां क्या होगा, फिर यहां दोस्तों हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, जब यह दूर होगा व्यक्ति, जब व्यक्ति दूर होगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको लगेगा कि जहां पेड़ की छाया वहां पानी है। जब यह दूर होगा तो क्या होगा, यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको लगेगा कि जहां पेड़ की छाया है वहां जल है। जब पास पहुंचेगा तो यहां क्या बन गया, क्रांतिक कोण, यानी यहां समकोण हो गया, 90 अंश अपवर्तन कोण का मान। और पास आएगा तो अपवर्तन हो जाएगा, और पास आएगा तो और अपवर्तन होगा, वह देख लेगा यहां तो पानी है ये नहीं है। जब दूर होगा तो वहां होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तभी इसको यहां पर क्या होता है, जल दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे, सबसे मुलायम धातु कौन सी दोस्तों है, सबसे मुलायम धातु का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, अगर हम धातु की बात करते हैं भाई, तो सबसे आघातवर्ध, यानी कि सबसे अधिक चोट सहने वाली, सबसे आघातवर्ध धातु होती है सोना। सबसे तन्य धातु होती है सोना। सबसे मुलायम, यहां तो जो ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, देखिए सबसे मुलायम क्या होती है, सोडियम होती है। और देखिए दोस्तों, सबसे भारी धातु क्या होती है, ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या है, ऑस्मियम। विद्युत की सर्वाधिक चालक क्या होती है, चांदी। और ऐसी कौन धातु है जो द्रव अवस्था में है, तो दोस्तों आपकी जो है मरकरी। ऐसी कौन धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो गैलियम। ऐसी कौन धातु जो विद्युत की कुचालक है, तो लेड। ऐसी कौन धातु जो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाती है, तो सोडियम। लेकिन यहां देखिए, अगर हम ऑप्शन के अनुसार बात करें तो दोस्तों, सबसे मुलायम धातु क्या, चांदी नहीं होगा, पारा नहीं होगा, यहां क्या होगा, सोना। तो दोस्तों यहां क्या होगा, सोना आपका हो जाएगा। बाकी अगर चांदी की बात करें तो सर्वाधिक चालक होती है ये पारा। पारा क्या होता है दोस्तों, पारा होता है लिक्विड फॉर्म में, ऐसा धातु जो लिक्विड फॉर्म में है। और नाइक्रोम ये होता है आपका एलॉय होता है। आगे, आग बुझाने का काम आने वाली गैस, तो ओजोन गैस क्या आग बुझाती है, नहीं दोस्तों। ओजोन गैस, देखिए ओजोन गैस हमारे पृथ्वी के चारों ओर के आवरण के घेराव है। यानी ओजोन गैस क्या घेराव है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस का आवरण है, जो कि समताप मंडल में उपस्थित है। कहां पर है, समताप मंडल में उपस्थित है। और इस बात का ध्यान देना, ओजोन गैस क्या होती है, O3। ये ओजोन गैस का आवरण हमारे समताप मंडल में स्थित है दोस्तों। और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन को, हानिकारक किरणों को धरती पर आने से रोकती है या इसको सोख लेती है। तो ध्यान देना, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों यहां क्या होगा, नहीं होगा। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिसको हम गला घोटू गैस कहते हैं। ध्यान देना, इसको कहते हैं गला घोटू गैस दोस्तों। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दोस्तों ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जी हाँ यही वो गैस है, अगर वायुमंडल में ना होती तो क्या होता, हमेशा आग लगी होती दोस्तों। क्या है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड।
आप फ्रेंड्स क्या प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अगर इसकी बात करें ग्रंथियों की, तो दोस्तों ग्रंथियां जो होती हैं इसका मतलब होता है गांठें, ग्लैंड, और ग्रंथियों से एंजाइम और हार्मोन का स्राव होता है। जिन ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है उनको कहते हैं वायस्रावी, और जिन ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी, और जिन ग्रंथियों से दोनों निकलता है उसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दोस्तों यह होती है यकृत। क्या होती है, यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, अग्नाशय। और दोस्तों मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि। तो अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा यहां पर, अग्नाशय। और अगर हम बात करें सबसे छोटी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी दोस्तों होती है, तो वो होती है पीयूष। क्या होती है, पीयूष। नंबर 5 सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है दोस्तों, तो ध्यान देना ये होती है थायराइड, थायराइड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान देना पीयूष, सबसे छोटी अधिवृक्क दोस्तों नहीं, थायमस नहीं, और क्या होगा थायराइड, ये होता है थायराइड ग्लैंड। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्तों कि ध्वनि क्या है। देखिए ध्वनि एक तरंग है, और ध्वनि कौन सी तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों जिसको कोई सुन नहीं पाते, अश्रव्य, इंफ्रासोनिक, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक होती है श्रव्य यानी कि ऑडियोबल साउंड वेव, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, इसी को हम सुन पाते हैं। और एक होती है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ज्यादा होती है, जिसको हम सह नहीं पाते, लेकिन चमगादड़ दिशा परीक्षण के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है। इसके अलावा सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है, कीमती कपड़े को साफ करने में, घड़ी के पुर्जे को साफ करने में, वायुयान के पुर्जे को साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। और ध्यान देना अगर तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगी, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसलिए बारिश के मौसम में जब सीटी बजाते हैं तो आवाज दूर तक सुनाई देती है। अगर बात करें ध्वनि की चाल की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड, वायु में दोस्तों वायु में कितनी होती है, वायु में होती है 332 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा बात करें अगर हम वाष्प में, कि जल वाष्प में कितनी होती है, भाप में, तो अगर बात की जाए भाप में ध्वनि की चाल की, तो अगर हम बात करें भाप में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 405 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ध्यान देना अगर प्रश्न बनता है कि भाप में ध्वनि की चाल कितनी होती है, और तो 405 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें जल में, तो जल में कितनी होती है, 1493 मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करें ध्वनि की चाल की, तो ध्वनि की चाल लोहा में कितनी होती है, तो लोहा में होती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड, और होती है इसके अलावा कांच में, तो कांच में ज्यादा होती है 5640 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 63 दोस्तों होती है लगभग 6420 कितनी होती है 6420 होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे अधिक चाल कितनी होती है एल्युमिनियम में 6420, और दोस्तों वायु में कितनी होती है, तो 332 आपके राइट आंसर कहां पर है, देखिए यहां पहला ही ऑप्शन क्या है सही है, तो 332 होती है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, नॉट यानी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है चुनना है। नॉट जहाज की चाल, बिल्कुल सही दोस्तों, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बहुत सही।
उसके बाद क्या है एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक दोस्तों, ये भी क्या है सही ऑप्शन, प्रकाश वर्ष। तो ध्यान देना अभी इसके पहले प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं इसकी व्याख्या बहुत अधिक नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों क्या होता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी क्या होगा इसमें आपका जो ऑप्शन डी होगा यही क्या होगा सही है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। बर्फ की जमी परत के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्यों, मछलियां नियत तापी होती हैं, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, या झील की तली में जल नहीं जम पाता, या बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या हम कैसे करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई ये तली है ये कोई झील है, तो हम क्या देखते हैं हमको पता है कि जल जो होता है जल अन्य द्रवों की अपेक्षा उल्टा व्यवहार करता है, यानी अगर हम बात करें जल की तो दोस्तों जल का चार डिग्री जीरो से चार डिग्री सेल्सियस तक, जीरो से चार डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जल का घनत्व क्या होता है घनत्व अधिकतम होगा और आयतन क्या होता है न्यूनतम होता है, और आयतन क्या होता है आयतन का मतलब होता है मीटर क्यूब, आयतन क्या होता है ये न्यूनतम होता है। अगर हम बात करें जीरो से चार डिग्री सेल्सियस की तो यहां पर जल का घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है। अब यहां देखिए अगर हम बात करें झील के जो बाहरी लेयर है, अगर झील की बाहरी लेयर की बात करते हैं कि झील की बाहरी लेयर है जहां तापमान क्या होगा अत्यंत कम होगा और तापमान क्या होगा बहुत कम होगा, यानी कि झील की बाहरी लेयर पर तापमान कितना होगा दोस्तों, तापमान होगा जीरो डिग्री सेल्सियस, तो यहां पानी क्या होगा बर्फ बन जाएगा। लेकिन जब हम झील में गहराई में जाएंगे, जब हम झील की गहराई में जाएंगे तो गहराई के साथ साथ ये जल का दबाव बढ़ेगा, और जब जल का दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा घनत्व भी क्या होगा बढ़ेगा, यानी यहां नीचे क्या होगा घनत्व अधिकतम होगा जल का, और जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है चार डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों। तो चार डिग्री सेल्सियस पर यदि जल का घनत्व अधिकतम है तो क्या चार डिग्री सेल्सियस पर पानी जमेगा, जी नहीं, इसका मतलब पानी यहां बर्फ नहीं बन पाएगा। और इसके हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या है कि झील की तली पर जल जम नहीं पाता, वहां जो जल होता है वहां का तापमान कितना होता है चार डिग्री सेल्सियस, और इस तापमान पर जल का जमाव नहीं होता दोस्तों। आगे प्रश्न दिया हुआ कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की है, बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान देना अगर बात करते हैं माइटोकांड्रिया की खोजकर्ता की तो सबसे पहले माइटोकांड्रिया है क्या, माइटोकांड्रिया हमारा प्रमुख कोशिकीय अंग है और माइटोकांड्रिया में ही कोशिका की क्रिया संपन्न होती है जिसके परिणाम स्वरूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो माइटोकांड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न इसी संदर्भ में पूछा गया है कि सबसे पहले माइटोकांड्रिया की खोज किसने की। तो देखिए अगर मैं बात करूं पावर हाउस की तो इसके अलावा प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, कोशिका में सेंट्रल रूम केंद्रक को कहते हैं, कोशिका में सुसाइड बैग डाइजेस्टिव बैग और एटम बम यानी पाचन की थैली, आत्महत्या की थैली और एटम बम लाइसोसोम को कहते हैं, पादप कोशिका में रसोई घर क्या होता है तो लवक होता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त कोशिका में ट्रैफिक पुलिस या कोशिका में सचिव तो गालजी काय को कहते हैं, कोशिका में कस्टम इंस्पेक्टर तो किसे कहते हैं अंतःप्रदक, सॉरी इसको कहते हैं आपके जो है कोशिका झिल्ली को कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मिलती है। यहां प्रश्न क्या है कि खोज किसने की है, सबसे पहले 1880 में कोलिकर ने माइटोकांड्रिया की खोज की, उसके बाद दोस्तों 1890 में सी बेंडा ने, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ उसके बाद 1890 में अल्टमैन ने माइटोकांड्रिया को क्या बोला बायोब्लास्ट कहा। अगर इसके बाद की बात करें तो सी बेंडा ने 1896 में इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया। लेकिन प्रश्न यहां क्या पूछ रहा है, प्रश्न यहां पूछ रहा है कि खोजकर्ता कौन है, तो सबसे पहले माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों। बाकी माइटोकांड्रिया को अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा था
और सी बेंडा ने माइटोकांड्रिया कहा था। फलों और पत्तियों को आकर्षक रंग प्रदान करने वाला क्या होता है? तो फलों और पत्तियों को आकर्षक रंग कौन देता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं पहले कि यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, पौधों में क्या होता है, पौधों में लवक होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं दोस्तों वो हरे रंग के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो पौधों में क्या होता है, लवक। और जो पौधे का लवक है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लवक, हरित लवक, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और वहीं पर एक होता है वाणी लवक, और इस वाणी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और एक होता है अवाणी लवक, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो अवाणी लवक, इसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान देना, ये सभी जो ऑर्गन है केवल पादप कोशिका में होते हैं, केवल पौधों में होते हैं। अगर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट की, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पादप कोशिका में रसोई घर। यहां देखिए वाणी लवक, इसका मतलब क्या होता है, पिगमेंट। यही वो भाग है जो पौधों में क्या होता है, रंग बिरंगा, यानी रंग देता है। तो रंग देने का कार्य कौन करता है, तो रंग देने का कौन करता है, यह रंग देने का कार्य करता है दोस्तों वाणी लवक। तो ध्यान देना, ये पौधों में रंग देता है। और इसके अलावा अवाणी लवक, तो अवाणी लवक वह भाग है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अर्थात जड़ें। तो जड़ों में क्या होता है, अवाणी लवक, जहां पर रंग नहीं होता। तो अगर बात करते हैं पौधों में रंग देने वाले इस लवक की, तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर दोस्तों, हो जाएगा वाणी लवक। इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, ये वहां होता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट, यही क्या आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्रोमोप्लास्ट। आगे बढ़ेंगे, व्हेल मछली में श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों, प्रश्न क्या है, व्हेल मछली में श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान देना, व्हेल क्या है, स्तनधारी है। और आपके ऑप्शन किस प्रकार से हैं, आपके ऑप्शन है गिल्स, त्वचा, फेफड़ा दोस्तों, मुखगुहा। तो अगर बात करूं यहां पर, तो त्वचा से क्या होता है, त्वचा से दोस्तों सांस लेने वाले क्या होते हैं, एम्फीबियन। जैसे बात करते हैं अगर मेंढक की, तो मेंढक, और इसके अलावा सलामेंडर, सलामेंडर। और बात करें गिल्स क्या होता है, मछलियां। और दोस्तों इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद देखिए ट्रैकिया होता है। अगर बात करें हम ट्रैकिया को, तो ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया को हम कहते हैं श्वासनाल। और इससे कौन श्वास लेता है, कीट वर्ग, जो इंसेक्टा होते हैं, जैसे दीमक, ग्रास हॉपर, ये क्या होते हैं, ये श्वास लेते हैं किससे, ट्रैकिया से। और वहीं बात की जाए अगर बिच्छू की, तो उसमें क्या होता है, बिच्छू होता है बुकलंग। तो बिच्छू बुकलंग से क्या होती है, श्वसन करती है बिच्छू। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो अन्य कीट होते हैं वो ट्रैकिया यानी कि श्वास नाल के माध्यम से श्वसन करते हैं दोस्तों। और केचुआ, एम्फीबिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब त्वचा के माध्यम से श्वास लेते हैं। और जितने स्तनधारी होते हैं दोस्तों, जो सभी स्तनधारी होते हैं, सांप होते हैं, पक्षियां होती हैं, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में श्वसन अंग क्या होगा, इन सभी में श्वसन अंग होता है फेफड़ा। तो आप यहां देखिए राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, फेफड़ा, यानी कि फेफड़े में श्वसन अंग क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों, यानी व्हेल मछली में श्वसन अंग क्या होगा, तो फेफड़ा हो जाएगा, क्योंकि व्हेल क्या है, सबसे बड़ी स्तनधारी है दोस्तों। आगे, वयस्क में आरबीसी की संख्या क्या होती है, अगर हम बात करें आरबीसी की, तो ध्यान देखिए आप लोग, यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है आरबीसी की। तो आरबीसी का मतलब क्या है, आरबीसी, अगर मैं आरबीसी की बात करूं, तो दोस्तों आरबीसी को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का एक नाम और है, यानी कि इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं,
और अगर आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी से बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। अगर हम इन सारे पॉइंट की चर्चा करें आप सभी से, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट बनते हैं यहां पर। तो सबसे पहले पॉइंट बनता है निर्माण। इसका निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा, तो दोस्तों कहां बनता है? लाल अस्थि मज्जा में बनता है। विनाश कहां होता है? अगर आपसे मैं विनाश की बात करूं तो विनाश होता है प्लीहा में, यानी इसका विनाश प्लीहा में होगा। फिर बात की जाए इसके जीवन काल की, जीवन काल की बात की जाए तो आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो न्यूनतम 20 दिन और अधिकतम कितना होता है? 120 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 20 से 120 दिन। यदि हम बात करें संख्या की, तो संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है महिलाओं और पुरुषों में दोस्तों। तो ध्यान देना, ये पुरुषों में कितनी होती है? 5 मिलियन। कितनी होती है? 5 मिलियन। और महिलाओं में कितनी होती है? 4.5 मिलियन ये होती है। और यदि हम बात करें इसके लाल रंग की, तो लाल क्यों होती है? तो दोस्तों लाल होती है हीमोग्लोबिन से। लाल क्यों होती है? तो लाल होती है हीमोग्लोबिन से। अगर हम बात करें ऑक्सीजन यानी इसका कार्य की, तो इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन, यानी ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। क्या करती है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है दोस्तों। और यदि बात करें इसमें मापक यंत्र की, इसको हम कैसे माप सकते हैं? तो मापक यंत्र क्या होता है इसके लिए? इसके लिए होता है हीमोसाइटोमीटर, यानी हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम इसको माप सकते हैं। तो हीमोसाइटोमीटर क्या होता है? इसको मापने का यंत्र होता है। और अगर बात करें हम आरबीसी के अभाव में क्या होता है, तो दोस्तों अगर बात करें कमी से, तो कमी से क्या होता है? कमी से होता है एनीमिया। इसके अभाव में क्या हो सकता है? इसके अभाव में एनीमिया हो सकता है। तो देखिए आरबीसी से इतने पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों। अगर बात करूं मैं यहां प्रश्न की, तो प्रश्न यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर क्वेश्चन आपका है कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन में आया ना 5 मिलियन, ये क्या होगा? आपका सही होगा। और ध्यान देना, इसको हम कहते हैं 50 लाख से 55 लाख, 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यों, ये होती संख्या। ठीक, अब इलियम किसका भाग है दोस्तों? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इलियम किसका भाग है? श्रोणि मेखला का, या फिर क्या है, छोटी आंत का, या आमाशय का, या फिर अंश मेखला का? तो इलियम किसका भाग है? बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों है कि इलियम किसका भाग है। अगर मैं बात करूं आपसे इलियम की, कि इलियम किसका भाग है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, होता यह है कि हमारी आंत में दोस्तों, हमारी आंतों में क्या होता है? बहुत सारा भाग होता है। और ये देखिए हम बना रहे हैं पाचन तंत्र, इसको आप समझ सकते हो देखने के बाद। तो दोस्तों अगर मैं पाचन तंत्र की बात करूं, तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर पाचन तंत्र का चित्र बनाया जा रहा है। तो पाचन तंत्र में क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक भोजन का पाचन कहां होता है। तो पाचन तंत्र में अगर क्वेश्चन बने कि सबसे अधिक भोजन का पाचन कहां होता है, तो आपके जो ऑप्शन हो क्या आएंगे, आप कहेंगे छोटी आंत में। लेकिन यदि प्रश्न बन गया कि छोटी आंत के किस भाग में, छोटी आंत के किस भाग में सबसे अधिक पाचन क्रिया होती है, तब क्या बताएंगे आप? तो दोस्तों छोटी आंत के किस भाग में सबसे अधिक पाचन क्रिया हो पाती है? यह होती है ग्रहणी में, यानी कि पक्वाशय में। देखिए दोस्तों यह बन गया है आपका पाचन तंत्र। अगर मैं इसके अंगों की बात करूं, तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे यहां क्या हो गया, यहां होता है अग्नाशय, और दोस्तों इसके बाद एक भाग इसमें और होता है जिसका नाम क्या है, यकृत। तो यहां किनारे पर क्या होता है, यही किनारे पर दोस्तों लीवर होता है हमारा, हमारा यकृत होता है, जहां से पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस कहां से निकलता है, यकृत से। और पित्तरस का भंडार कहां होता है, संचय कहां होता है, तो संचय होता है पित्ताशय में। देखिए ये आपका पूरा पाचन तंत्र है। अगर मैं इसमें बात करूं इनके भाग के नाम की,
तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या हमारा बनता है, पहला पॉइंट ये बनता है, इसका नाम क्या है, मुख गुहा, जिसको हम कहते हैं बकल कैविटी। इसके बाद क्या है, तो ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस, और यहां देखें ये है स्टमक, ये है स्टोमाक, और यहां जो भाग इसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जहां से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है दोस्तों। और ये क्या है, ये है लीवर, और लीवर के बाद देखिए इसी में क्या होता है, इसी में होता है गाल ब्लैडर, इसी में होता है गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, जहां पर पित्तरस का संचय होता है, यही होता है गाल ब्लैडर। और फ्रेंड्स इसके बाद में बात करूं तो छोटी आंत का एक भाग है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, छोटी आंत का भाग है, ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। और इसके बाद दोस्तों भाग होता है अगला छोटी आंत का, जिसे हम कहते हैं जेजेनम, ये भी छोटी आंत का भाग है। इसमें विलाई होती है, विलाई उंगलियों के आकार रचनाएं होती हैं, और विलाई करती क्या है, ये विलाई भोजन के अणुओं का अवशोषण करती हैं। और छोटी आंत का सबसे अगला भाग होता है शेषात्र, जिसको हम कहते हैं इलियम, और दोस्तों ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। इसमें इसमें कोलन होता है, कोलन के अलावा इसमें क्या होता है दोस्तों, कोलन के अलावा इसमें होता है सीकम, तो सीकम कोलन और रेक्टम, ठीक, तो सीकम कोलन और क्या, तो रेक्टम होता है, यहां देखिए होता है रेक्टम। तो प्रश्न हमारा क्या था कि सीकम किसका भाग है, सॉरी इलियम किसका भाग है, देखिए ड्यूडेनम जेजेनम और इलियम ये तीनों किसके भाग है, तीनों छोटी आंत के भाग है। तो प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है, देखिए तो इलियम किसका भाग है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, छोटी आंत का भाग है, और छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, लगभग 6.1 मीटर होती है ये, ठीक, ध्यान देना आप लोग। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, नीलहरि शैवाल, नीलहरि शैवाल को हम किस रूप में शामिल करते हैं, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, या फिर प्रोटोजोआ या फफूदी। तो अगर मैं बात करूं आपसे ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीलहरि शैवाल के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। नीलहरि शैवाल ऐसा शैवाल है यानी कि धरती पर आने वाला सबसे पहला पौधा क्या है, नीलहरि शैवाल। नीलहरि शैवाल का प्रयोग धान के खेत में जैविक खाद के रूप में करते हैं, और इसके अतिरिक्त नीलहरि शैवाल को हम साइनो बैक्टीरिया की संज्ञा देते हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा क्या होगा, वो साइनो बैक्टीरिया। तो नीलहरि शैवाल को हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, और बाकी देखिए यू बैक्टीरिया जैसे जीवाणु होता है, और प्रोटिस्टा सबसे पहले प्रथम जीव इसको बोलते हैं, फिर क्या है फफूदी यानी कि फंजाई। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइनो बैक्टीरिया। आगे बढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम होता है, ये होता क्या है, देखिए अगर मैं सिंड्रोम की बात करूं तो सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, सिंड्रोम होता है कुल चार प्रकार का, सिंड्रोम होता है कुल चार प्रकार का। पहला होता है क्लाइन फेल्टर, क्लाइन फेल्टर, दूसरा टर्नर, तीसरा डाउन सिंड्रोम, और चौथा होता है पटाओ सिंड्रोम। तो अगर सिंड्रोम की बात की जाए तो सिंड्रोम कुल मिलाकर के चार होते हैं जो मुख्य रूप से होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें पहले की, तो पहला क्लाइन फिल्टर है, देखो क्लाइन फिल्टर दोस्तों क्या होता है, क्लाइन फिल्टर होता है दोस्तों एक्स एक्स वाई जब ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारा प्रश्न ऐसा नहीं है, हमारा प्रश्न क्या है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, जब सिंड्रोम जो होता है वो रहता है कि 45X या 45O। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो इसमें राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा XO, यानी 45X जब होता है दोस्तों तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, महिलाओं में बांझपन, क्लाइनफेल्टर पुरुषों में होता है नपुंसकता का कारण। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मंद बुद्धि, होठ मोटे होते हैं, कद छोटा होता है, सर बड़ा होता है, जिसको हम मंगोलिज्म कहते हैं। वहीं बात करें अगर पटाऊ सिंड्रोम की, तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चों में ऊपर के होठ फटे होते हैं। यदि हम आगे बात करें तो जनन क्षमता में कमी होती है,
किस विटामिन की कमी से। तो दोस्तों देखिए, अब जनन क्षमता क्या है, होता यह है कि जब हमारे जननांग, जो हमारे जनन अंग हैं, जहां से प्रजनन की क्रिया होती है, जब जनन अंग में जो पेशियां होती हैं, अगर उन पेशियों में समस्याएं होती हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की होती है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती, जीरोथीमिलिया, इससे रतौंधी होगी, और जीरोथैल्मिया होता है। और यदि बात की जाए विटामिन बी, तो भाई इसकी कमी से क्या होता है, बेरी होता है। और वही बात करें विटामिन के की, तो क्लॉट नहीं हो पाता है, थक्का नहीं बनता, नहीं बनता रक्त का। और वही बात करें विटामिन ई से, दोस्तों तो ध्यान देना ये क्या है, विटामिन ई को हम कहते हैं प्रजनक विटामिन। और विटामिन ई के खोजकर्ता कौन है, विटामिन ई की खोज किसने की है, आइए बात करते हैं इस पर। दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन ई पर, तो विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई की खोज कौन किया है, पहला प्रश्न हमारा यह बनता है। तो अगर बात करेंगे खोज की, तो ईवांस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। अगर वहीं हम बात करें कि रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान देना टोकोफेराल। और कमी से रोग की बात करते हैं तो नपुंसकता और बांझपन, इसके बाद नपुंसकता और बांझपन। अब यह मत कहना कि नपुंसकता किस में होती है, बांझपन किस में होता है। और अगर इसके बाद की बात करें दोस्तों, तो दो पॉइंट और बनता है, पहले बनता है स्रोत वाला पॉइंट। तो अगर स्रोत की बात करें तो ध्यान देना तेल, वसा या फिर अंकुरित अनाज या अनाज की भूसी, यानी अनाज का छिलका, अंकुरित अनाज या अनाज का छिलका, काजू बादाम, ये सभी क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। काजू बादाम या एक्सेट्रा इसके स्रोत हो जाएंगे। अगर हम बात करें, इसमें एक पॉइंट और बनता है, जिसे हम कहते हैं विशेषता। तो अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, तो ध्यान देना पहला पॉइंट क्या बनेगा, ब्यूटी विटामिन क्या है, तो ये ब्यूटी विटामिन है। ये क्या है, ब्यूटी विटामिन है। उसके अलावा इसको हम कहते हैं प्रजनक विटामिन। तो प्रजनक विटामिन है, अर्थात जनन क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक, तो देखिए इसके अनुसार आपका सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन ई होगा, ये वाला, डी वाला सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीएनए की खोज किसने की है। तो दोस्तों डीएनए क्या, देखिए डीएनए होता क्या है, हमारे शरीर में क्या होती है, आनुवंशिक क्रियाएं होती हैं। देखिए डीएनए होता क्या है, डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है और यह शरीर में होने वाली सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और शरीर में होने वाली सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है दोस्तों। और ध्यान देना, हमारा 90% डीएनए क्या होता है, आपस में मैच करता है, और 10% आपस में मैच नहीं करता। अगर डीएनए की बात की जाए, तो एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया है, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों अगर और बात करें डीएनए के बारे में, तो ध्यान देना डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, जीवन का ब्लूप्रिंट होता है, और डीएनए की इकाई को जीन कहते हैं। यदि हम डीएनए की बात करें, तो डीएनए की खोज कौन किया है दोस्तों, तो ध्यान देना अगर डीएनए की बात की जाए, तो पहला पॉइंट
क्या बनता है? डीएनए की खोज। तो फ्रेडरिक मिशेल, फिर प्रयोगशाला में निर्माण, प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में डीएनए का निर्माण सबसे पहले किसने किया? अगर ऐसा प्रश्न बनता है प्रयोगशाला में संश्लेषण, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। किसने किया? कॉर्नबर्ग ने किया। और अगर प्रश्न बनता है कि एक्सरे द्वारा डीएनए का निर्माण, एक्सरे से डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो विल्किंस ने किया था। किसने किया था? विल्किंस ने किया था। और एक पॉइंट बनता है कि डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि द्वि गुणित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? तो डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? तो दो लोगों ने दिया दोस्तों, इसका डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? तो दो वैज्ञानिकों ने दोस्तों, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो हम कहते हैं वाटसन और क्रिक ने, तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। तो अभी देखिए, अगर खोज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या आपका सही है कि डीएनए खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिशेल ने की है। आगे बढ़ते हैं अगला पदार्थ। तो वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों, जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों को रोक देते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट यहां है एंटीसेप्टिक, उसके बाद एंटीबायोटिक, उसके बाद एनेस्थेटिक, उसके बाद एंटीपायरेटिक्स। दोस्तों होता क्या है कि ये औषधियों के नाम दिए गए हैं। तो औषधियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो जीवाणुओं को रोकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जीवाणुओं को मार करके उनकी वृद्धि को रोकती हैं, कुछ जीवाणुओं को अधिक मात्रा में मारती है दोस्तों। और ध्यान देना, कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो प्रशांतक होती हैं, हमें आराम पहुंचाती हैं। तो अगर मैं बात करूं औषधियों को, तो हमने इसको कितने भाग में बांटा है? तो ध्यान देना, मेडिसिन, अगर बात करें हम मेडिसिन की, तो दोस्तों पहली क्या होती है? एंटीसेप्टिक। पहली होती है एंटीसेप्टिक, ये जीवाणुओं के वृद्धि को रोकती है। उसके बाद की बात करें दोस्तों, तो एंटीबायोटिक, ठीक, एंटीबायोटिक तो जीवाणुओं को मार के संख्या कम करती है। फिर एंटी पायरेटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स से अच्छा कार्य करती है एंटीपायरेटिक्स दोस्तों। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक तो दर्द और बुखार में दोस्तों क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए आपकी आती है, इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, इसके अलावा आपका आता है एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक ये सर्जरी के दौरान क्या होता है? एनेस्थेटिक ये सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के काम में आती है, जैसे क्लोरोफार्म होता है, सल्फोनल दोस्तों होता है, ये सब होता है। और इसके अलावा क्या होती है? प्रशांतक, ऐसी औषधियां जो शांतिकारक होती हैं, शांति पहुंचाती हैं, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। अगर बात करें एंटीसेप्टिक की, तो फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, ये एंटीसेप्टिक है। बात करें एंटीबायोटिक की, तो ध्यान देना दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर रिफेमिसिन, ठीक है, सब क्या है? एंटीबायोटिक दोस्तों होती हैं। और ध्यान देना, ये सब औषधियां जीवाणुओं को मारती हैं, तो ये भी जीवाणुओं को रोकती है, ये भी रोकती है और ये भी रोकती है। तो सबसे अधिक जो प्रभावी होगा वही इसमें सही ऑप्शन होगा। तो सबसे अधिक प्रभावी क्या होती है आपकी? एंटीपायरेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस रूप में वहन होती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ध्यान देना यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन करता है?
तो आइए पहले समझते हैं कि कौन बाहर करता है, किस रूप में यह बाहर होती है। तो इसको हम कहते हैं गैसीय परिवहन, गैसीय परिवहन। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन का परिवहन, तो ऑक्सीजन किस रूप में चलती है। फिर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये किस रूप में चलती है। अगर हम इन दोनों गैसों की बात करें तो दोस्तों ध्यान देना, ये ऑक्सीजन क्या होती है, ये ऑक्सीजन HbO2 के रूप में चलती है। कह सकती है HbO2 के रूप में चलती है। अगर वहीं हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों, तो HbCO2 के, सॉरी ये चलती है HbHCO3 के रूप में। अब इसका मतलब अभी आप समझ नहीं पाए, देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन का परिवहन करती है और प्लाज्मा 7% ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वहीं यदि बात करें हम आगे की तो दोस्तों बाइकार्बोनेट HCO3, तो बाइकार्बोनेट लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और हीमोग्लोबिन लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कितना परसेंट? 23%। और प्लाज्मा लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो जो जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चलता है तो किस रूप में चलता है, इसी रूप में HB दोस्तों क्या होता है, HbSCO3। यहां देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां होगा, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा नहीं, इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, लेकिन ध्यान देना यहां पर एक ऑप्शन मैच कर रहा है, वो आपका क्या होगा, NaHCO3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड के बाहर करता है। चलिए आगे सूची को मिलाना है, तो कशेरुक मतलब वर्टेब्रल में कितनी हड्डियां, फीमर कहां होती है, क्रेमियम कहां होती है, ह्यूमरस कहां होती है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर हम बात करें कशेरुक की, तो ध्यान देना यहां मैच कर रहा है, कितनी होती है 33, और फीमर कहां होती है, पैर में। क्रेमियम का मतलब होता है सर, ये क्रेमियम है, ये क्रेमियम कैसे बनता है दोस्तों, तो 8 हड्डियों का बना होता है। और ह्यूमरस कहां होती है, ये हाथ में यहां होती है। तो 1 का 2 सही है, 2 का 3 सही है, उसके अलावा 3 का 4 सही है, यानी कि आपका बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे कलाई की हड्डी को किस नाम जानते हैं, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि मेटाटार्सल ये क्या होता है, टखना होता है, टार्सल सॉरी दोस्तों, ये होता है पैर का पंजा, ये होता है पैर का पंजा। अगर वहीं हम बात करें टार्सल की, तो क्या होता है, पैर का टखना। वहीं लिखा गया है मेटाकार्पल, तो ये क्या होता है, हथेली होती है, ये होती है हथेली की हड्डी। और वहीं पूछा गया कार्पल, तो ये क्या होती है, कलाई की हड्डी। यही आपका सही ऑप्शन है, कलाई की हड्डी क्या होती है, कार्पल होती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सही क्रम लगाना है, तो इस स्पीशीज जीनस फैमिली पहला क्या है, इसको सही क्रम रखना है, तो स्पीशीज ऑर्डर जीनस फैमिली, या स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर, या फैमिली जीनस स्पीशीज ऑर्डर, या जीनस फैमिली स्पीशीज ऑर्डर। दोस्तों हुआ क्या था कि जब देखिए किया किसने, तो कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं, और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण की कुल 6 इकाई बनाई,
पहले बनाया दोस्तों फाइलम, पहले बनाया फाइलम और फाइलम के बाद बनाया क्लास। और दोस्तों फिर क्या बनाया, फिर बनाया ऑर्डर। तो फिर बनाया ऑर्डर, अगर बात करें इसकी तो एक सेकेंड, तो दोस्तों पहले क्या बनाया, पहले बनाया फाइलम, फिर बनाया क्लास, फिर बनाया दोस्तों ऑर्डर, फिर क्या बनाया ऑर्डर, और फिर बनाया फैमिली, फिर बनाया जीनस, और फिर क्या बनाया स्पीसीज। तो हुआ क्या दोस्तों, इसी आधार पर दोस्तों देखिए, इसी आधार पर यहां आपका कौन सा राइट आंसर दोस्तों मैच कर रहा है देख सकते हैं आप लोग। इसमें आपका हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, ठीक है। तो बी वाला क्या होगा, सही होगा आपका। आगे, अनार का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो अगर हम बात करें अनार के खाने योग्य भाग की, तो हम कुछ फलों की बात करते हैं। जैसे देखिए, तो देखिए खाने वाले भाग की हम बात करेंगे फलों के, तो दोस्तों ये आम है। तो आम के देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, इसको हम कहेंगे फल भित्ति, इसको हम कहते हैं फल भित्ति। और अंदर क्या होता है दोस्तों, अंदर होता है बीज, और खाने वाला भाग क्या होता है, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। तो यही कुछ भाग जो खाते हैं, तो आइए हम इस पे देखते हैं कि इसमें खाने वाला भाग कौन सा होगा। तो आप सोचिए इसमें खाने वाला भाग कौन सा है, क्या कोई छिलका खाएगा, या फिर दोस्तों कोई बीज खाएगा, या फिर कोई मध्य फल भित्ति। जी हाँ, मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो अगर हम फलों के खाने वाले भाग की बात करें, तो दोस्तों देखिए, पहला, आखिर मध्य फल भित्ति किस फल का खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति अगर इसकी बात करें कि हम खाते हैं आम और पपीता की, आम और पपीता की हम खाते हैं मध्य फल भित्ति। अगर हम बात करें वहीं पर भ्रूण की, भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियन, तो ये हम खाते हैं भ्रूणपोष नारियल का। यदि हम बात करें पुष्पाशन की, तो पुष्पाशन हम खाते हैं सेब नाशपाती, सेब और नाशपाती की। अगर वहीं हम बात करें दोस्तों, अगर आपसे फल भित्ति प्लस मध्य फल भित्ति इसमें हम खाएंगे बेर और जामुन का। फिर बात करेंगे फल भित्ति प्लस मध्य फल भित्ति प्लस बीजांडसन कि हम खाते हैं अमरूद का और टमाटर का। वही अगर बात करें हम रसीले बीज चोल की, तो लीची और अनार का, लीची और अनार में खाएंगे। तो यही क्या होता है, कुछ फलों के खाने योग्य भाग हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहां बन रहा है अनार में खाने वाला भाग क्या है, भ्रूणपोष, तो जी नहीं, ये खाते हम नारियल में, तो ये नारियल का होगा ये। फिर पॉइंट दिया गया है बीज का रसेदार बीज चोल, तो दोस्तों उसके बाद दिया है मांसल पुष्पासन, ये हम खाते हैं सेब में, ठीक। फिर मांसल बीज चोल दोस्तों क्या हो जाएगा, ये होगा मांसल बीज चोल, यानी ये वाला भाग जो बीज के ऊपर का आवरण होता है उसको हम खाते हैं, मांसल बीज चोल। आगे, पौधे के किस भाग के रूप में केसर मसाले में इस्तेमाल होता है? वाह्य दल का, पंखुड़ी का, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का। तो दोस्तों पुंकेसर का कि पंखुड़ी का कि वाह्य दल का कि किस चीज का?
तो केसर के किस भाग को हम इस्तेमाल करते हैं, आइए हम इस पर वार्तालाप करें आपसे। अगर हम बात करें केसर के खाने वाले भाग की, तो दोस्तों अगर हम बात करें आपसे कि केसर में कौन सा भाग खाते हैं या केसर के खाने वाले भाग की, तो आप देखिए, आप देखते रहिए दोस्तों। पहला, लौंग में क्या होता है, कली या अफीम, तो अधपका फल, अधपका फल। रबर, तो हीबिया पौधे के दूध से, लैक्टेस से, हीबिया पौधे के दूध से। या दोस्तों बात करें अभी हम हींग की, हींग की, तो फेरुला पौधे के बीज से और छाल से, ठीक, और छाल से यानी कि किस पौधे के, तो फेरुला, फेरुला पौधे की छाल से और बीज से क्या मिलता है, हींग मिलती है दोस्तों। अगर हम बात करें इसी क्रम में तो केसर की, तो केसर कैसे मिलता है, सैफ्रोन कोकस के पुंग केसर से या दलपुंज से। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि ये कहां से मिलता है, इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, तो पुंग केसर। देखिए अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो लौंग यूजीनिया नामक पौधे की सूखी कली होता है, अफीम दोस्तों पोस्ता पौधे का अधपका फल होता है, रबर हीबिया पौधे के दूध से, हींग बीज चोल दोस्तों क्या होता है, बीज और छाल से, किस से, फेरुला से, वही केसर पुंग केसर से मिलता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंग केसर। आगे बढ़ेंगे, मिलान दोस्तों, मिलान करना है, यहां पर मिलान करना है कि एस्ट्रिक अम्ल कहां होता है, तो एस्ट्रिक अम्ल होता है सिरका में, लैक्टिक अम्ल कहां होता, तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल कहां होता है, दूध में होता है, और ब्यूटारिक अम्ल कहां होता है, मक्खन में, और साइट्रिक अम्ल दोस्तों कहां होता है, नींबू में। अगर ऐसे दोस्तों बात करें तो बेंजोइक अम्ल कहां होता है, बेंजोइक अम्ल होता है खाद्य पदार्थ परिरक्षण में, कार्बोनिक अम्ल कहां होता है, तो सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक में होता है, टार्टरिक अम्ल कहां होता है, तो अंगूर और इमली में होता है, साइट्रिक अम्ल कहां होता है, तो नींबू में होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल ए का 3 सही है और बी का 4 सही है, सी का 1 सही है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन डी होगा। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, दोनों का वास्तविक उद्भव क्या है, वनस्पति, दोनों बहुलक हैं, या आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से मिलते हैं। तो दोस्तों अगर स्टार्च की बात की जाए, स्टार्च और सेलुलोज की, तो देखिए क्या होता है, दरअसल कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का ही ये भाग है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक होता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और इसमें एक होता है डाइसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो अगर बात करें हम मोनोसेकेराइड की दोस्तों, इसमें शामिल है ग्लूकोज, अगर बात करें मोनोसेकेराइड की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसमें शामिल करते हैं ग्लूकोज को, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के एक ही अणु से बना होता है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दोस्तों गैलेक्टोज, इसमें 3 कार्बोहाइड्रेट होती है, 3 कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, उसके बाद डाइसेकेराइड, तो ये 2 अणु से बना होता है कार्बोहाइड्रेट के, C12H22O11। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, लैक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है, फिर इसी में होता है फ्रक्टोज, कैसे बनता है दोस्तों, सॉरी इसमें होता है
सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है, गन्ने में होती है। एक होता है माल्टोज, और माल्टोज कहाँ होती है, ये दोस्तों अनाजों में होती है, ग्लूकोज के दो अणु से बनती है। फिर होता है आपका अगला C6H10O5 होता है का होल N, इसको हम कहते हैं डाइस पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट के बहुत से अणुओं से बना होता है। तो दोस्तों इसमें शामिल करते हैं सेलुलोज, ये दोस्तों पौधों में होती है। स्टार्च ये भी कहाँ होती है दोस्तों, पौधों में है। दोनों क्या है, दोनों जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं और दोनों ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बहुत बने होते हैं, यानी इनका निर्माण बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर के होता है। और अगली क्या दोस्तों, अगली होती है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का संचय हमारे लीवर में होता है, यह पौधों में नहीं होती, बाकी दोनों कहाँ होती है, पौधों में होती है। और दोस्तों ये दोनों क्या है, प्राकृतिक रेशा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो पहला, दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, सही है। और दोनों क्या है, दोनों जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो दोनों क्या है, बहुलक है, सही है। किसका, इसका एकलक क्या होगा, यानी ये पॉलीमर है, और इसका मोनोमर क्या होगा, अगर इसके एकलक की बात करें हम तो क्या होगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से मिलकर के बनी होती है, दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित है, ये भी सही है, यही क्या होगा, गलत होगा। भारत में किस राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस दोस्तों आया था, तो ध्यान देना वर्तमान समय में कोरोना यानी कि क्राउन वायरस, इसका नाम क्या है, क्राउन यानी कि कोरोना वायरस, जो कि दोस्तों प्रोटीन से बना होता है। कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज्यादा इस समय फैला हुआ है। तो सबसे पहले कोरोना वायरस इंडिया के किस राज्य में आया था, देखिए कोरोना वायरस ऐसा वायरस दोस्तों जो चीन के वुहान शहर से उठा हुआ, हालांकि कोरोना वायरस इसके पहले भी अटैक कर चुका है 2003 में दोस्तों मार्स के नाम से, और ध्यान देना 2003 में यह सार्स के नाम से आया था, और 2012 में सऊदी अरब में आया था यह मार्स के नाम से, यानी मिडिल ईस्ट के नाम दोस्तों आया था। तो ध्यान देना यह सबसे पहले कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में दिखाई दिया, और यह कोरोना का 7वां मेंबर है। इसके पहले 6 वायरस आ चुके हैं, और जो वर्तमान में आया हुआ है ये कोरोना के परिवार का 7वां वायरस है दोस्तों। ये मर्स है, यह मर्स से भी डेवलप है, यह मर्स से भी क्या है, जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे भी डेवलप है। और ध्यान देना चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पहला मामला कोरोना का आया था, और वुहान शहर की जो राजधानी है हुवेई में सबसे अधिक लोग मारे गए हैं। और वर्तमान दोस्तों ये वायरस एशिया के लगभग सब भागों कवर कर चुका है, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक पहुंच चुका है। तो इसीलिए WHO ने इसके लिए क्या किया है, मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि सबसे पहले भारत में कोरोना वायरस के पेशेंट कहां से पाए गए, तो देखिए सबसे पहले यहां जो राज्य है केरल, तो चीन में तीन नर्स गई थी इंडिया से वहां नर्सिंग सीखने के लिए, और दोस्तों उन्हीं में क्या पाया गया है, उन्हीं में पाया गया है कोरोना वायरस। और ध्यान देना वो वुहान शहर में ही रहती थी, चीन के वुहान शहर में। ये आशंका है कि यह वायरस जानवरों में था और जानवरों से इंसानों में आया। तो दोस्तों सबसे पहले यह केरल में देखा गया था। अब दोस्तों क्या है, मानव ह्यूमन एटलस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रोगों और उनसे जुड़ी कोशिकाओं पर ज्ञान प्रदान करना, या मानव मस्तिष्क की जांच, या मनुष्य के पैर से होने वाली बीमारी को दूर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना भाई दोस्तों, जो ह्यूमन एटलस शुरू किया गया है ये कोशिकाओं की जांच संबंधी है, यानी एक कोशिका की जांच करने के बाद सभी रोगों का पता लगाना, यानी एक कोशिका से ही एक कोशिका की जांच करके मनुष्य के अंदर समस्त
व्याधियों को दूर करने का प्रयास जो किया जा रहा है वो ह्यूमन एटलस पहल है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें जो सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, रोगों और उनसे जुड़ी कोशिकाओं पर ज्ञान प्रदान करना, ये ह्यूमन एटलस की पहल है। यदि हम आगे बात करें तो विटामिन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन की कमी के कारण मानव में अनेक रोग होते हैं और विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखिए दोस्तों विटामिन क्या होता है, देखिए विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक है और विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, विटामिन की आवश्यकता हमें बहुत अल्प मात्रा में होती है, परंतु विटामिन की कमी से हमें खतरनाक रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन हमें बाहर के खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण बॉडी में नहीं हो पाता। दोस्तों तो ध्यान देना, आप लोग यहां पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो विटामिन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग होते हैं सही है, या विटामिन मानव शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो दोस्तों ध्यान देना इसमें आप लोग, इसमें ऑप्शन एक भी सही है और दो भी सही है, एक और दो दोनों सही है। विटामिन क्या करता है, समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विटामिन को मिलाकर के दोस्तों ए बी सी डी ई और के होते हैं, और सबसे पहले कैश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की दोस्तों। और ध्यान देना इसमें दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, और ए डी ई और के कहां घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। अब प्रोटीन, तो दोस्तों प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ पदार्थ है, जिसका निर्माण 20 प्रकार की एमिनो अम्ल से होता है। सबसे पहले प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस और मूल्डर ने की थी, और दोस्तों प्रोटीन एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसके अभाव में शरीर में वृद्धि और विकास नहीं हो पाता। अगर बात करें प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत की, तो प्रोटीन सबसे अच्छा किस में होता है दोस्तों, यह होता है मशरूम में 51 से 56%, और यह होता है सोयाबीन में 42%। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या आप कह रहा है कि प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करवाना दोस्तों रॉन्ग ऑप्शन है, शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करना। तो अगर मैं प्रोटीन के कार्यों की बात करूं तो ध्यान देना, पहला कार्य शरीर में वृद्धि और विकास करना, कटे फटे अंगों की मरम्मत करना, नए अंगों का निर्माण करना, और इसके अतिरिक्त दोस्तों प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के रूप में रहकर के पाचन क्रिया करते हैं और जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक, तो ध्यान देना शरीर में अंगों की मरम्मत, नए अंगों का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो राइट क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। तो दोस्तों परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, क्या होता है कि अगर हम बात करें परमाणु भार, ठीक, तो दोस्तों अगर बात करें परमाणु भार की, तो परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। तो किसी भी तत्व की परमाणु भार जो होता है उसके प्रोटॉन संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या जो है उसी का परमाणु भार होती है। यदि हम आगे बात करें दोस्तों, तो अगर आगे हम बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु भार Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, है ना। तो किसी भी तत्व में परमाणु का जो भार होता है उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या होता है। यदि हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो दोस्तों क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन। ठीक, क्या कहेंगे कि प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है,
बराबर होता है दोस्तों परमाणु का क्रमांक। अगर बात करें कि न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है तो क्या बताएंगे, परमाणु क्रमांक रेल प्रोटॉन बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन संख्या होती है। इस तरह से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। परमाणु भार ही क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, और परमाणु भार ही क्या है, प्रोटॉन संख्या है। ठीक, बैरोमीटर में क्या भरते हैं, देखिए बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर दोस्तों एक यंत्र है और इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, वायु दाब मापी में करते हैं। तो बैरोमीटर क्या है, वायु दाब मापी है। देखिए जब अचानक बैरोमीटर में रीडिंग नीचे गिरती है तो कहते हैं कि बारिश का मौसम, तूफान आने वाला है ना। तो दोस्तों ध्यान देना, बैरोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, बैरोमीटर में इसमें मिली बार स्केल, एक पैमाना इसका होता है मिली बार स्केल का, और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मरकरी यानी कि पारे का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना, बैरोमीटर में मरकरी का प्रयोग होता है, पारे का प्रयोग होता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक किलोवाट में कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁶ कूलम, यदि 3.6 × 10⁸, 3.6 × 10⁶। दोस्तों ध्यान देना आप लोग, अगर हम बात करते हैं एक कूलम की बराबर कितने की, बराबर देखिए अगर हम बात करें यहां पर कि एक किलोवाट की बराबर क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर बात की जाए एक किलोवाट की, तो पहले बात करेंगे हम एक वाट सेकेंड, तो एक वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, एक वाट गुणे एक सेकेंड। बात करें कि एक, बात करें एक किलोवाट की, एक किलोवाट की, तो दोस्तों ये क्या होता है, एक किलोवाट बराबर क्या होता है, हम कहते हैं दोस्तों कि एक किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट। और अगर हम कहते हैं कि एक किलो वाट आवर, तो कहते हैं कि 1000 वाट गुणे एक आवर, 3600 क्या होता है, सेकेंड होता है, ये बन जाएगा 3.6 × 10⁶ क्या हो जाएगा, जूल के। और फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका होगा आगे, इसको हम कहते हैं बराबर एक यूनिट। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे एक यूनिट। और ध्यान देना, घरों में विद्युत खपत का मापन कैसे होता है, दोस्तों इसी में होता है। ठीक, तो देखिए इसमें राइट आंसर का जवाब ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, देखिए तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसके जो ऑप्शन है वो पहला, सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग अधिक है, छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, नेत्र नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील है, वायुमंडल लंबी तरंगों को छोटी तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है, वायुमंडल लंबी तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, होता यह है कि क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए जब सूर्य का प्रकाश आता है धरती पर, धरती पर क्या है, वायुमंडल है, जब यह प्रकाश धरती पर आता है दोस्तों तो धरती पर क्या है, वायुमंडल है, तो प्रकाश क्या होता है, इन वायुमंडल के में उपस्थित वायु के कणों पर पड़ने के बाद सब दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, और प्रकाश के सब दिशाओं में फैल जाने घटना क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अर्थात जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गमन करता है जहां पर वायु धूल धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं, तो प्रकाश उन कणों पर पड़ने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और दोस्तों ध्यान देना, अधिक तरंग दैर्ध्य कम प्रकीर्णन, देखिए होता यह है कि
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक। सो फ्रेंड, ये कीड़े होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो वायलेट है सबसे कम तरंगदैर्ध्य कितनी होती, 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। वही रेड कलर की तो 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम। तो विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक प्रकीर्णन, सर्वाधिक प्रकीर्णन। और वहीं रेड की तरंगदैर्ध्य अधिक है ना, तो सबसे कम प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। सबसे कम प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। तो जब प्रकाश धूल धुएं आदि कणों पर पड़ता है तो सब दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद दोस्तों क्या होता है, वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इसमें क्या होगा, छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, नहीं होगा। देखिए अब जो बैगनी रंग है, जो ब्लू कलर है, वो क्या होता है, उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है तो क्या होता है, वो सब दिशाओं में फैल जाता है। और आकाश कैसा होता है, नीला होता है। और उसी आकाश के परावर्तन से जल कैसा होता है, नीला होता है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। तो कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, गाड़ी की हेडलाइट, इसके अलावा सर्च लाइट, सर्च लाइट, इसके अलावा आंख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा, के डॉक्टर द्वारा। दोस्तों इन सब में क्या होता है, इन सब में हम कह सकते हैं इसके बाद भी टेबल लैंप, हम कह सकते हैं दोस्तों कि इन सब में क्या होता है, इन सब में होता है अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सब जगह क्या होता है, इन सब जगहों पर होता है आपका अवतल लेंस। इसको हम काट सकते हैं, ये नहीं होता है। बाकी देखिए इसके अलावा क्या क्या होता है, हेडलाइट, सर्च लाइट, आंख नाक कान के डॉक्टर द्वारा, और दाढ़ी बनाने में। दोस्तों इन सब में क्या होता है, इन सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगर वही बात करें हम उत्तल दर्पण की, तो ध्यान देना आप लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है मोटर गाड़ियों में चालक के सीट में के बगल में साइड मिरर के रूप में। तो दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और एक बार फिर मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो आप लोग स्क्रॉलिंग हो रहे नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए दोस्तों। व्हाट्सअप करने के बाद आपको खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में ठीक ऐसे प्रश्न आने हैं। तो जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ क्वेश्चन करवाते हैं उससे अच्छी कक्षाएं चलती हैं। तो आप सभी लोग जिसको भी खंड शिक्षा अधिकारी में हमारे रनिंग बैच में एडमिशन लेना है, तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।